अगर आज अंडर वाटर माफिया तूने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिया तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सोचा नहीं होगा। अबे माइकल, तेरे दो कौड़ी के सवालों के जवाब में आज दूंगा, नकल दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत अंडर वाटर माफिया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। अंडर वाटर माफिया, सब सच सच बता दो माइकल को, वरना आज वो हमें मार देगा। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। रमेश, रॉयल फैमिली के छोटे वारिस को जल्दी से जल्दी शोरूम ठीक चाहिए। माइकल सर, जल्दी से जल्दी हम आपका शोरूम सही करके दे देंगे। बहुत खूब, तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भाई। माइकल कायो पेरिको पे अटैक करने की तैयारी शुरू करो मेरे भाई। शाही परिवार के छोटे वारिश, आज काफी खतरनाक वाली सुरक्षा आने वाली है कायो पेरिको के लिए। शाबाश मेरे भाई माइकल, तुमसे यही उम्मीद थी। लॉस सैंटोस में तुम्हारा स्वागत है एनएसजी सिक्योरिटी। शुक्रिया माइकल सर। यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप सब लोग, होप करता हूं सब मजे में होंगे। एक और GTA 5 की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोग का स्वागत करता हूं। तो गाइस, पीछे आप सब लोग देख रहे होंगे कि भाई साहब हम खड़े हुए हैं बीबी गेमिंग के हाईटेक बंकर में। और गाइस, इधर की साइड हम क्यों आए हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट काम आज होने वाला है वीडियो को। एक तो भाई काफी जबरदस्त वाली राइवलरी हमारी हो चुकी है रोलेक्स से, क्योंकि फाइनली कंफर्म हो चुका है कि एल रूबियो और रोलेक्स ने मिलकर ये हमला किया है। और सोशल मीडिया पे हमारा मीम वगैरह बना के भी भाई काफी ज्यादा हमें ट्रोलिंग वगैरह की जा रही है कि वैस क्या माइकल की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं कर पाई ये वो। तो भाई एनएसजी सिक्योरिटी का मामला पानी काफी ज्यादा खराब हो चुका है, मार्केट में उनकी इमेज भी इतनी ज्यादा खराब कर दी है ना कि उसके ऊपर एनएसजी सिक्योरिटी ने हमारे ऊपर एक्शन वगैरह लिया है कि सिक्योरिटी को वेपन्स वगैरह क्यों ना प्रोवाइड हुए भाई साहब। तो फिर भाई इसका जवाब हमने दिया है कुछ भी बना बनू के कि भैंस की आँख, हम वहाँ पे भाई पब्लिक एरिया था, ऐसे गन्स वगैरह नहीं रख सकते थे। तो फिर एनएसजी सिक्योरिटी के चीफ ने बोला कि भाई साहब वहाँ के लिए वो सिक्योरिटी तुम रख ही नहीं सकते थे, अगर ऐसी जगह रखनी थी तो मार्केट में हमारा नाम खराब कर दिया। तो भाई अब भाई एनएसजी सिक्योरिटी के भाई जो चीफ है
वो हमारे लिए एक काफ़ी खतरनाक वाली सिक्योरिटी वगैरह भेजना चाहते हैं और अपना नाम दोबारा कमाना चाहते हैं लॉस सैंटोस में। हम भी भाई, हमारा जो इमेज ख़राब हुई है उसका बदला लेने के लिए भाई काफ़ी खतरनाक वाला अटैक करने वाला है कायो पेरिको पे। तो कायो पेरिको पे फिर पूरा एनालाइज वगैरह हमने करा कि भाई साहब वहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट रहेगी। तो वहाँ के लिए भाई हमें एक ग्रीन कलर की सिक्योरिटी चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पे फूल पत्ते और पेड़ वगैरह घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे हम छुप सके। सारी चीज़ें हमने आज एनालाइज की मीटिंग रूम में भाई, पूरी मीटिंग वगैरह रखी और सारी चीज़ें होने के बाद आज एक काफ़ी ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी हमने बुक करी है जो थोड़ी देर में पहुंचने वाली है एयरपोर्ट की साइड। उससे पहले गाइज यहाँ पे सिस्टम थोड़ा पानी ऐसा हुआ है कि फ्रैंकलिन को मैंने बोला था कि अन्ना को और अंडरवाटर माफिया वाटर माफिया को हम एक साथ रखेंगे बिल्डों को, जैसा कि आपको पता है कि दोनों को एक साथ रखेंगे तो कुछ तो बात करेंगे। और उनकी भाई जो अन्ना की बॉडी है उसमें हमने लगा दिया एक काफ़ी खतरनाक वाला रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम, जो भी भाई इनके बीच में बात होगी हमारे तक पहुंचती रहेगी और सिक्योरिटी भाई पूरी चीज़ रिकॉर्ड करती रहेगी। और पूरे रिकॉर्डिंग रूम में सर्वर वगैरह भी मैं आपसे लोग को दिखा देता हूँ, जहाँ पर पूरी चीज़ें हमने भाई स्टेबल करवा दी है, जहाँ पर हर चीज़ रिकॉर्ड होने वाली है काफ़ी खतरनाक तरीके से। और मेडिकल रूम तो इधर की साइड है गाइस, हमारा जो सर्वर रूम है वो भी मैं आपसे लोग को दिखा देता हूँ, काफ़ी खतरनाक वाला। और बीबी गेमिंग के हाईटेक में भाई काफ़ी खतरनाक वाली सुरक्षा भी इधर की साइड लगी हुई है। बाकी गाइज एक हाईटेक वाली सिक्योरिटी भी हम लेके आने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाली बीबी गेमिंग की, तो वो भी आपसे लोग को काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगी। बाकी सर्वर रूम में मैं आपसे लोग को दिखा देता हूँ, पूरी चीज़ें हमने फिट वगैरह करवा दी है काफ़ी खतरनाक तरीके से। इनमें भाई पूरा डाटा वगैरह स्टोर होता रहेगा और कोई भी दिक्कत हमें होने वाली नहीं है। तो भाई इधर की साइड देख सकते हो सर्वर रूम में पूरा डेवलप करवा दिया है, तारे वारे भी इधर की साइड देख सकते हो टूटी पड़ी होगी, तो भाई ये जुड़वानी अभी थोड़ी बहुत और काफ़ी खतरनाक वाली यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह होने वाली है। चलो कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो गाइस मैंने दोनों भाई अंडरवाटर माफिया को और भाई जो हमारे भाई खास जो है अन्ना बन्ना उसका टेस्टिंग देने की वक्त आ चुके हैं कि भाई साहब वो सच भी बोलता है या फिर यूं ही हमें झूठ बना रहा था। बाकी इधर की साइड देख सकते हो इजराइल वाली टेक्नो विहान भाई की सिक्योरिटी हमने यहाँ पे रखी हुई है। बाकी भाई काफ़ी खतरनाक वाला यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी अभी देख सकते हो इधर की साइड है, मीटिंग रूम वगैरह भी है और हर चीज़ इधर की साइड आपको काफ़ी लग्जरी वाली दिखेगी। पर उससे पहले हम जाते हैं और दोनों कीटाणुओं से मिलने वाले जो अंडरवाटर माफिया है और जो अन्ना है, दोनों को एक साथ हम लेके आ चुके हैं बंकर में। और अब मैं आपसे लोग को दिखाने वाला हूँ क्योंकि बाहर की साइड ही उनको लेके आए हैं और भाई अब उनकी भाई काफ़ी खतरनाक वाली खातिरदारी तो मैं करने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उससे पहले ये वाली सिक्योरिटी देख सकते हो इजराइल सिक्योरिटी, इनके लिए भाई कुछ नए मास्क वगैरह भी हम भाई ट्रायल पे रखने वाले हैं। और ये वाली चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं गाइस, जब यहाँ पे ना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो भाई सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी में यहाँ पे देख सकते हो मास्क वगैरह हमने लगवा रखे। और बाकी ये वाली सिक्योरिटी बताओ कैसी लग रही है इजराइल सिक्योरिटी, और इनके हाथ में वेपन्स वगैरह भी काफ़ी तगड़े दे रखे हैं। और ये बाकी कोई दिक्कत नहीं गाइस, अपने दोनों मियाँ आ चुके हैं क्या? आ चुके हैं, क्या बात है भाई भाई, खातिरदारी तो करते यार इनकी थोड़ी बहुत। अरे रे रे, दोनों दोस्त बिछड़े हुए, क्या बात है, कितने दिनों बाद मिले हो। अच्छा भाई साहब, ऐसी बात है क्या? और बताओ यार अन्ना, यार बात तो कर अपने दोस्त से अंडरवाटर माफिया से, यार तू तो काफ़ी टाइम से हमारे पास है, पर इससे तो बातचीत वगैरह कर। अच्छा भाई साहब, लड़ाई हो रही है क्या दोनों के बीच में? देख अन्ना, तेरे को मैं एक बात बताऊँ तो अंडरवाटर माफिया तेरे को बचाने नहीं आया था, देख ले जितने दिन तू हमारे पास था, और इसको बचाने के लिए तो भाई काफ़ी बंदे आ रहे हैं, अटैक वगैरह करवा रहे हैं। और तुझे एक खुशखबरी दूँ अंडरवाटर माफिया तेरी साइड से, चल एक खुशखबरी तो ले ले, जो मेरा शोरूम नहीं था उस पर अटैक करवा दिया तेरे रोलेक्स ने। वाह, खुश हो रहा है सुअर? खुश मत हो, अभी तो देख तू, अभी जो कायो पेरिको ही उड़ने वाला है, अब तो तू ये देख ले। अच्छा भाई साहब, कायो पेरिको भी मैं नहीं उड़ा सकता? अच्छा भाई, कायो पेरिको तू देखता जा, अभी तेरे को ना यहाँ पे एक टीवी चैनल लगवा दूंगा उस पर तू सारी खबरें देखते जा। और भाई साहब, जो हमारी सिक्योरिटी, इनकी खातिरदारी अभी तक हुई नहीं है, तो हम इसकी खातिरदारी काफ़ी जल्दी करने वाले हैं। और हमारी देख सकते हो पूरी सिक्योरिटी ने इनको घेर रखा है। और बाकी अंडरवाटर माफिया यार, तू यार देख, तेरे पैसों का तो हमें पता लग चुका है, तो भाई इसके सामने झूठी मूठी मैं एक्टिंग वगैरह कर रहा हूँ ताकि इसको ऐसा लगे कि पैसे का इसे कैसे पता चल गया। हाँ हाँ, मुझे पूरा पैसा पता चल गया जो तूने रखा हुआ है, पूरा गोल्ड वगैरह और जो डायमंड्स वगैरह रखे हुए थे और जो तेरी गन्स वगैरह तो मेंशन के नीचे वाले अंडरबेस में ही मिल गई थी। अच्छा, अरे झूठ क्यों बोलना भाई साहब, मैं सारी चीज़ें सच बोल रहा हूँ। और अब तो भाई तेरे को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग चल रही है, वैसे दो चार दिन में तेरा खेल खत्म है वैसे। अच्छा भाई साहब, तेरे को कोई नहीं मार सकता बेटे, मैं ही मारूंगा। ये देख, ये माइकल डिसेंटा तुम्हारे पापा यहीं पे मारेंगे तुझे और यहीं पे दफनाऊंगा, देख लियो, तो दिक्कत मत ले बेटे। अन्ना तो बनना, इसका तो बाद में बनाऊंगा, तू रुक जा। अन्ना तू कम बोल ले, ज़्यादा मत बोल, बीच में हमारे बीच में बात हो रही है ना, देर से मैं बात नहीं कर रहा।
अच्छा अच्छा चुप रह ले, अब बीच में हमारी बात को मत काटियो। तो अन्ना भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा साइड ले रहा है, कह रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से कमा लेंगे पैसे वैसे ये वो। तो अरे तुम छूटोगे जब कमाओगे ना ऐसे पैसे, अंडरवाटर माफिया। अभी भी मैं कह रहा हूँ शांत रह ले, इतनी अकड़ में बात करने की जरूरत नहीं है तेरे को ना। दो बार तो मैं बेहोश कर चुका हूँ, तीसरी बार ना अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तेरे को। अच्छा भाई साहब ऐसा ही स्वैग रहेगा तेरा तो, रुक रुक ऐसा ही स्वैग दिलाता हूँ ना अभी, रुक। ओए सिक्योरिटी जल्दी से ना वो रेंच वगैरह लेके आना मेरे लिए एक बार ना, इसकी अकड़ ही निकालनी है। आज तो बेटा तू गया, आज जो तूने जिस तरीके से बात कर रहा तू, अन्ना आने के बाद ये मत समझ कि अन्ना तेरी हेल्प करने आया, वो खुद मेरी कैद में कैद है, सीख है होगा ये भी कैद। अच्छा भाई साहब यार ये जो बंदा है भाई, ये गर्म बुद्धि बंदा, और इसको जब मैं कुछ भी पूछने आता हूँ भाई राजी से प्यार से भी, जब भी ये ऐसे जवाब देता ना तो मेरा दिमाग खिसक जाता। सिक्योरिटी जल्दी से ना इनका ट्रीटमेंट वाला सामान मंगाओ, दोनों का ट्रीटमेंट बांधता हूँ, जो दोनों भाईचारा दिखा रहे हो ना भाईचारा ऑन टॉप करवाता हूँ तुम्हारा। रुको 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 एक बार ना सिक्योरिटी वगैरह को बोलने दो, बाहर की साइड तुम यहीं पर रुको, मैं अभी करवाता हूँ। इनका सिस्टम हैंग तो ज़्यादा जो खुश हो रहे हैं ना ज़्यादा भाई साहब, इनको सिस्टम जो लग रहा है कि हमारा पैसा पकड़ा ही नहीं जा सकता। सिक्योरिटी जल्दी से रेंच वगैरह हर चीज़ चाहिए मुझे टॉर्चर की, जो इनको टॉर्चर करना है मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त वाला, तो जल्दी से वो सारी चीज़ें मंगाओ इधर की साइड। रुको 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 बेटा अभी तुम्हारी ना सारी चीज़ें आ रही है, और अभी तुम्हारा सिस्टम हैंग मैं करता हूँ, सिस्टम तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। माइकल डिसेंट है, इतनी देर से मैं प्यार से होश आ रहा था ना तुमसे, मतलब पेशी आनी ऐसे प्यार से भाई आजकल ना गुना है गुना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी सिक्योरिटी इनकी खातिरदारी तुम शुरू करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। एक बार रॉयल फैमिली के छोटे वारिस का कॉल वगैरह आ रहा है तो वो अटेंड करके फिर आपसे लोगों से मिलते हैं गाइस, लेट्स गो। तो गाइस हमारी आर्मरी में से मैंने चीज़ें तो उठा ली और उनकी सुताई तो उधर की साइड चल रही है, पर उससे पहले उधर की साइड देखो तो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ से मैंने डंडे वगैरह रेंच वगैरह निकाल लिया है, और भाई सिक्योरिटी ने कहा कि माइकल सर सारी चीज़ें आपके अंडर में, जो आपको लेके जाना है इधर की साइड से ले जा सकते हो। भाई साहब आप देखो उनकी सुताई जो मैं करने वाला हूँ, इधर की साइड डंडे वगैरह उठाए मैंने, रेंच वगैरह उठाया और दो तीन चीज़ें और उठाई है। अभी देखते हो उनकी सुताई तो अंदर की साइड चल ही रही है, पर आप शायद उनकी सुताई रुक चुकी है। ओहो हो भाई 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 भाई, अरे इतनी गंदी पिटाई, अरे रे 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 भाई 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 खूनम खून हो गए क्या, अरे खून किसका निकल गया, अंडरवाटर माफिया पीछे तो चोट लगी तुम्हारे, अरे रे रे रे, पर प्यार से तो मानना नहीं है। अब देख तू तेरी अकड़ तो मुझे तोड़नी पड़ेगी अंडरवाटर माफिया। अब ना मुझे साफ साफ पता, जो तूने डायमंड्स वाला तेरा बिजनेस था वो कहाँ पे एस्टेब्लिश कर रखा है ये बता दे जल्दी से। अच्छा भाई साहब मेरे साथ पुस्तकें भी नहीं ढूंढ पाएगी, नहीं नहीं मेरी साथ पुस्तकें भी नहीं ढूंढ पाएगी, है मेरी साथ पुस्तकें भी नहीं ढूंढ पाएगी तेरी की आंखें ये ले, नहीं नहीं मेरी साथ पुस्तकें नहीं ढूंढ पाएगी अन्ना। अच्छा अन्ना अब तेरे को पता है ना, जल्दी बता जल्दी 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 बता दे, अगर पता है तो देख ले अभी भी तेरे पास टाइम है। इसको तो बना बट डोन चौधरी, नहीं 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 ये तो भाई नवाब जादे है ना यहाँ के, ये तो नवाब जादे भाई, ये क्यों बताएंगे। इतने आसानी से तू मरने वाला नहीं है, जल्दी उठ जा, उठ उठ जल्दी उठ जल्दी उठ, देख कितनी एक्टिंग कर रहा भाई ये ले इसकी आँख तेरी, यूँ नहीं मानेगा ना तू, यूँ तो मानना ही नहीं है भाई साहब जी को, यूँ तो मानना ही नहीं है, याददाश्त थोड़ी कमजोर है अन्ना, जल्दी बता जल्दी। नहीं तू भी इसी का भाई है ना, तू क्यों बताएगा, नहीं तू अरे भैंस की आँख इधर की साइड मेरा हाथ फिसल गया, ये तू थोड़ी ना बताएगा, ये ले अब पड़ी अब याद आया कुछ, याददाश्त सारी होगी दोनों की, देखते हैं इसकी आँख तेरे को याद आया कुछ बेटा, तेरे मुझे पता था उसका पार्टनर था और अभी नहीं बता रहा ना, तो मैं तो देख तेरे को पूछ ही लूँगा बाद में, तो मुझे सारी चीज़ें पता चली जाएगी। देख वो तो देख लेट चुका, अब तेरी बारी है, भैंस की आँख, अंडरवाटर माफिया का तो सीन है, सिस्टम हैंग हो चुका भाई यहाँ पे। अरे इतने जल्दी मियाँ बाबू, इतने जल्दी आप कैसे लेट गए, अच्छा बेहोश हो गए क्या, चले तेरी भैंस की आँख, मेरे को पता ऐसे ढोंग कर रहा तू, ये ले भैंस की आँख, ये ले भैंस के तेरे मुंह पे मारूंगा आज तो, मेरे को ना गुस्सा इतना आ चुका ना गाइस, ये कुछ बात नहीं बता रहे और इतने दिन से मेरा टाइम पास मस्त वाला करवा रहे हैं, रुको रुको आज तुम्हारा सिस्टम है। अन्ना जल्दी बोल जल्दी, इसके साथ क्या बात करी तूने, जल्दी बता तेरी भैंस की आँख, तेरी भी मां सुताई अच्छे से करूँगा, ये ले सुअर तू भी ले, तेरी तू ही तोड़ दूँगा तो, ये ले भैंस की आँख, और इधर की साइड अंडरवाटर मां से जल्दी उठ जा भाई, अन्ना में कितनी जान है भैंस की, इसको तो यार इतनी बार हमने पीट देना, ये ऐप्स बना रखे, इनके ऐप्स ही ऐप्स मारना, तो इसकी हड्डी बस एक तोड़ देनी है कि उठ भी ना पाए, ये उठने लायक भी ना रहे अंडरवाटर माफिया। उधर की साइड अन्ना कहाँ कोने में छुप रहा है, इधर आओ अन्ना जी, बन्ना जी इधर आओ इधर तो आओ, क्या हुआ, लठ लगा एक अच्छे से, रुक ऐसे तो मानना ही नहीं है इनको, ऐसे तो मानना ही नहीं है, क्या ही मारो अभी इनको, रेंच वगैरह से मारूंगा तो ये यहीं मर जाएंगे, बाकी इसकी आँखें ये ले, तो यार चुपचाप अभी भी भाई जान है, अभी भी जान है, ये ले भाई टूई पे लात मारी इसकी, ये ले चल उधर,
तेरी भैंस की आंख, ये ले भैंस की, माननी नहीं है कोई कोई बात, माननी ही नहीं है, माननी ही नहीं है, माननी ही नहीं है दोनों को भाई, अपनी गुंडागर्दी करनी, गुंडागर्दी गुंडागर्दी तुम्हें सिखाता हूँ गुंडागर्दी क्या होती है। अब तुम्हारी भैंस की आंख भाई काफी गुस्सा दिला दिया इन दोनों ने मेरे को, और इनकी भैंस की आंख कर दी आज तो मैंने भाई साहब। इस अन्ना में तो बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, जल्दी बता सारा पैसा कांड दो बेटा माफिया को। इतनी भी चीजें तुझे पता है, इतने दिन तो मैं प्यार से हो पेश आ रहा था पर बतानी नहीं है, बतानी ही नहीं है भैया जी को। अन्ना जी भाई यहाँ पे टूई कूदते हुए भाई काफी जबरदस्त तरीके से देख सकते हो, ये ले क्यों नहीं मानेगा भाई, मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है यहाँ पे देख सकते हो भाई, मारे जा रहा हूँ सुअर के। उठ 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 जल्दी जल्दी उठ भैंस की आंख तेरी, ऐसे नहीं मानेगा, चल जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता कहाँ पे है पैसा पूरा बता जल्दी बता। तेरी भैंस की आंख कैसे नहीं बताओगे ना, दोनों को अब दोनों की सुताई होया करेगी यहाँ पे रोज रोज। चल उठ 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 जल्दी उठ जा जल्दी उठ जा। अरे भैंस की आंख से खून वून निकल गया, सर्वर फट गया, दिखा कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे ट्रीटमेंट, तुम्हें मरने तो नहीं दूंगा मैं, इतनी तो गारंटी है मेरी भैंस की आंख इनकी भाई। दो दिन से भाई साहब इनको पूछे जा रही है पूरी सिक्योरिटी प्यार से, नहीं बताना ही नहीं है, बताना ही नहीं है दोनों भाइयों को भाई। खून खून देख से तो चारों तरफ फैल चुके, पर ये अंडर वाटर माफिया मुझे पता, जो ठोंक करके गिर गया ना तेरी भैंस की आंख, तेरी सासु की जगह मैं बनाऊंगा तेरे। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, दोनों की भाई काफी खतरनाक वाली सुताई कर दी। अरे ओ नो भाई 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 यहाँ पे देख सकते हो भाई, अन्ना के भी यहाँ पे खून वगैरह आ गए, सर वगैरह भी फट जाए, जब भी कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी भैंस की आंख काफी ज्यादा तंग कर दिया तुमने, कुछ भी बता नहीं रहे भाई, मुंह तक नहीं खोल रहे, इतना गंदा टॉर्चर। अब तो भाई इलेक्ट्रिक वाला टॉर्चर इन्हें देने वाला हूँ मैं, क्योंकि कुछ नहीं बताना नहीं इन्हें भाई, ऐसे लठ से कुछ हो ही नहीं रहा है, रोज रोज पिट जाते हैं, रोज रोज कुछ होता ही नहीं है भाई साहबों को। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा तो सिस्टम मैं बाद में सेट करूंगा, पहले मैं चेंज करके अब यहाँ से निकलना है, क्योंकि जो शोरूम वगैरह उधर की साइड कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया अपना रिपेरेशन वाला, क्योंकि भाई काफी खटाफट हमें उधर की साइड काम वगैरह करवाना है, ताकि भाई हम काफी अच्छा पैसा वगैरह उधर की साइड से छाप सके। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अब हमें ऊपर की साइड जाना है और ऊपर वाले फ्लोर पे भाई सारा सिस्टम थोड़ा पानी चेंज वगैरह करना है, और फिर यहाँ से हम निकलने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। बाकी ऊपर की साइड आपसे लोगों को पता ही है, पर्सनल रूम्स वगैरह भी है और भाई अपने यहाँ पे मैस वगैरह भी है। इससे जो ऊपर है देखो यहाँ इस वाले तीन चार फ्लोर का ये वाला बंकर, जैसे कि आपने देखा होगा खाना वगैरह खाने का इधर सीन है, सारा सिस्टम थोड़ा पानी इधर है। और मेरी स्कॉर्पियो मंगा दे यार जल्दी से, सिक्योरिटी जल्दी से मेरी स्कॉर्पियो नीचे की साइड मंगा दो, मेरे को कहीं के लिए निकलना है। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, पूरी सिक्योरिटी को बोल दिया मैंने, और अभी धीरे धीरे हम यहाँ से निकलने वाले काफ़ी खतरनाक वाली जगह, जहाँ पे पूरा शोरूम का काम वगैरह शुरू हो चुका है, वहाँ पे जाके हम आपसे लोगों से मिलेंगे। पहले उससे पहले मैं चेंज वगैरह कर लेता हूँ किसी रूम में यार, ये वाला खुला है, चलो ये वाला खुला हो अपना रूम, तो यहाँ पे भाई पूरा चेंज वगैरह करते हैं और फिर आपसे लोगों से मिलते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे देख सकते हो 1929 वाली स्टॉक मार्केट की मैं किताबें भी पढ़ने लग गया हूँ, तो स्टॉक्स वगैरह में भी भाई सिस्टम हैंग करने वाले हैं हम इधर की साइड, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी वगैरह वो भी स्टॉक वगैरह में काफ़ी खतरनाक वाला इंटरेस्ट दिखा रही है, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं गाइस, सारी चीज़ें सेट करके अभी चेंज वगैरह करके फिर आपसे लोगों से मिलते हैं। पूरे खूनम खून हो चुके मेरे कपड़े नीचे से, तो लाइट्स को छींटे वगैरह लग गए ना बिल्डो को, तो फिर अब चलते हैं और सीधा चलेंगे अपने शोरूम की साइड। ओ ये सो गाइस, बीबी गेमिंग के हाईटेक बंकर में भाई कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं, तो भाई पूरा भाई साहब ध्यान रखा जा रहा है दोनों हरामियों का, एक अंडरवाटर माफिया और दूसरा अन्ना को। भाई अभी तो भाई डॉक्टर वगैरह बुलाया और उनके भाई पट्टी वट्टी करवाई है, और गाइस अब ना हम उनको शायद मारने वाले नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चोट उनको लग चुकी है, और भाई अगर वो मुंह खोलते तो ठीक है, वरना यहीं पे हम उनको रखने वाले हैं और फिर भाई सीधा इलेक्ट्रिक टॉर्चर देंगे, क्योंकि भाई उनके बॉडी में काफ़ी कम मात्रा में खून रह गया अंडरवाटर माफिया के, तो वो कभी भी मर सकता है। तो वो सारी चीज़ देखते हुए भाई अब मैंने मनाई कर दिया कि कोई भी दिक्कत नहीं है, वरना मैंने पंच वगैरह लेके आया था, अभी मैं उनकी ओर सुताई करने वाला था, पर डॉक्टर ने जो बात बोली कि अब इनकी ओर पिटाई नहीं होनी चाहिए वरना ये परमानेंट ऊपर पहुँच जाएंगे, तो वो सारी चीज़ देखते हुए मैंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब इनको मारेंगे नहीं, अब इनको सीधा इलेक्ट्रिक शॉक ही देंगे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब इधर की साइड से हम निकल रहे हैं भाई साहब, अपनी गाड़ी गुड्डी देख सकते हो भाई, एक नंबर स्कॉर्पियो ब्लैक जर्सी से गाड़ी काली, ओ ये क्या बात है। तो चलो भाई साहब यहाँ से निकलते हैं, ये खून वगैरह भाई साहब इधर की साइड से साफ आफ करवा देना, चलो थोड़े से रह गए ये भी करवा दो, शायद इतना टायर के इधर की साइड लग गया था तो ये फैल गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी पीछे की साइड से साफ करवा देगी सिक्योरिटी, पूरा खून वगैरह साफ करवा दे यार, ये अच्छा नहीं लगता ठीक है। बाकी यहाँ पे देखते हो अपनी सिक्योरिटी के साथ आराम आराम से इधर की साइड से हम निकल चुके हैं, क्या बात है क्या बात है, पूरी अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे खड़ी हुई है, धीरे धीरे हम, अरे 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 नींद ठोक रहा चचा, क्यों क्यों दिक्कत ले रहे हो, अरे 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 कतई डर रहे हो,
भाई एकदम से टायर मोड़ा ना तो इन्वर्टर लग गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम बाहर निकल चुके, अपना देख सकते हो सिक्योरिटी का एंट्रेंस यहाँ पे से है और बाहर की साइड भी सिक्योरिटी वगैरह खड़ी हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई। इधर की साइड ना ये वाली रोड वगैरह काफ़ी तक खराब हो गई। एक और सीन अभी ऐसा हो रहा है, जो रशियन माफिया को हमने ये वाली सिक्योरिटी दी थी उसको भाई हमने इधर की साइड रखा हुआ है। बाकी रशियन माफिया का अगर आपको इधर की साइड से दिखेगा, बाकी वॉच टावर वगैरह भी इधर की साइड देखें तो काफ़ी खतरनाक वाला। गाइस एक सीन में देख रहा हूँ कि ये वाला जो घर है ना सामने आपको दिख रहा होगा, ये वाला घर में लेने वगैरह की और भैंस क्यों कभी तो ढूंक जाती है डीप वाले, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको ये घर दिखा देता हूँ, इधर की साइड ये वाला जो घर है छोटा सा, इसको मैं लेने की सोच रहा हूँ। क्योंकि गाइस इधर की साइड से दो चीज़ पास पड़ती है, एक तो रशियन माफिया का जो घर वगैरह देख सकते हो ऊपर की साइड आप लोग को इधर की साइड दिख रहा है बोरा, और नीचे की साइड अगर मैं ये वाला घर मेरे को मिल जाए तो भाई फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए। बाकी इसका ओनर वगैरह भाई बाहर की साइड रहता है, यहाँ पे नहीं रहता। बाकी काफ़ी टाइम से देखो इधर की साइड साइकिल वगैरह रखी हुई थी, तो ये टायर से आपको पता चल रहा होगा कितने दिन से हुआ नहीं। बाकी इधर की साइड बेवड़े दारू वगैरह पी के जाते हैं, तो देख सकते हो बोटल वगैरह पड़ी आपको दिख रही होगी। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, अगर ये वाला घर मिल जाए ना तो भैंस के आंख मजा आ जाए। बाकी अभी तो बंद है, लॉक वगैरह लगा हुआ है, बाकी बेवड़े यहाँ पे मस्त मजे उठा रहे। देख सकते हो इधर के बीच की साइड आते हैं और बोटलें यहीं पे फेंक के चले जाते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, ज़्यादा सिस्टम थोड़ा पानी सही है, बाकी बढ़िया है, ओके रिपोर्ट है। बाकी इधर की साइड से व्यू वगैरह आपको दिखाऊं तो काफ़ी तगड़ा, और नीचे की साइड जाने के बाद सीढ़ियाँ वगैरह भी है, सीढ़ियाँ वगैरह कहाँ पे जा रही है एक बार देख के आते गाइस, मैंने ये वाली चीज़ तो कभी नहीं देखी। इधर की साइड क्या बात है, क्या जबरदस्त सीढ़ियाँ है, और नीचे की साइड जेट स्की वगैरह है भाई वहाँ पे जाने के लिए वॉच टावर पे। चलो बढ़िया, अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि शोरूम वगैरह के उधर की साइड भाई जो पूरे जो अपने आर्किटेक्ट वगैरह है सब आ चुके हैं उधर की साइड, भाई पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल चुका है तो वो सारी चीज़ें भी मुझे देख के आनी। पर भाई उससे पहले भाई ये वाले घर के मैं बात वगैरह करूँगा, वो रशियन माफिया के घर के उधर की साइड अभी भाई कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि भाई इजराइल सिक्योरिटी को तो हमने इधर की साइड लगा लिया। अब भाई एक सिक्योरिटी आज हमारे पास आने वाली है, शायद उसको भाई हम इधर की साइड कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर उससे पहले सीन ऐसा ना गाइस कि देखो इजराइल सिक्योरिटी हमने भाई प्रॉमिस किया था रशियन माफिया को देने का, तो उसको हमें देनी पड़ेगी, कुछ टाइम बाद लौटानी पड़ेगी। अभी तो हमने इमरजेंसी में इधर की साइड रख लिया, पर उससे पहले मैं आपको रशियन माफिया का घर भी दिखा देता हूँ इधर की साइड से, जो जस्ट क्लोज में है बीबी गेमिंग के हाईटेक बंक करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम थोड़ा पानी हमने सेट तो कर रखा वीडियो को, पर ना अभी इतना मैसअप सा हो रहा है ना हमारे पास सिक्योरिटी, मुझे इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हमारे पास सिक्योरिटी कम, और इधर की साइड देखिए तो पूरा रशियन माफिया का मेंशन अभी तो लॉक तो नहीं होगा, शायद खुला तो होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, सेंसर डिटेक्ट कर लेता कर रहा है। बाकी अंदर की साइड से पूरा बंद है, देख सकते हो लॉक वगैरह लगा हुआ इधर की साइड से। पर कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, ये वाला जो मेंशन है इसका सिस्टम थोड़ा पानी हम काफ़ी जल्दी बिठाने वाले हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें काफ़ी ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी चाहिए। अभी तो लॉक लगा हुआ है पूरे, भाई इनकी सिक्योरिटी वगैरह बंद करके गई थी, सारी चीज़ें बंद पड़ी है इधर की साइड पर। ये जो रशियन माफिया का मेंशन है इसके हमने प्रॉमिस जैसा कि आपको पता है इजराइल सिक्योरिटी का किया था, वो हमने दी भी थी, पर कुछ इमरजेंसी के थ्रू हमने ये वाली सिक्योरिटी को रिट्रीव किया और यहाँ से हमने ले ली। बाकी अंदर की साइड से यहाँ से दिखेगा आपको थोड़ा बहुत इंटीरियर, क्योंकि अभी तो लॉक है। तो भाई ये देखो कितना ज़बरदस्त वाला इंटीरियर, और इसका सामने वाला व्यू भी एक नंबर है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आई, इसको तो हम बाद में देखते हैं, जो भी सिस्टम ज़्यादा पानी होगा या तो हम जो नई वाली सिक्योरिटी आएगी उसको इधर रख देंगे, जो भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाले आने वाले होगा कि। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते हैं भाई सीधा शोरूम की साइड, वहाँ पे भाई पूरा सिस्टम ज़्यादा पानी देखना हमें, कंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा, सारी चीज़ें हो रही नहीं हो रही, क्योंकि भाई कोई भी रिस्क अभी हम नहीं ले सकते। जो भाई साहब हमारी पार्टनरशिप भी हम करने की सोच रहे हैं जो बीबी गेमिंग के भाई साहब, हम ना उस शोरूम में एक पार्टनरशिप वगैरह करने की सोच रहे हैं कि अगर वो भी थोड़ा बहुत पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर दे तो हम उसको रीबिल्ड वगैरह काफ़ी और भी तगड़े तरीके से करवा सकते हैं। तो उनसे भाई मेल वगैरह डाला है, बाकी वो भी रिप्लाई वगैरह देंगे। अपनी सिक्योरिटी को भी उनके को फ़ोन किया जो डीलिंग वगैरह करती है हमारे साथ, जो कायो पेरिको के भाई साहब हैं उनसे भी हमने बातचीत वगैरह करी। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ आपके मन में नहीं उठती, स्कोरी पे देखते भाई ना मेरे को एक खेतों के बीच में बड़ी चलाने की इच्छा होती है, देखते कितनी ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग करती है स्कॉर्पियो का भाई साहब, कहते छोटा भाई साहब ये है इंटरनेशनल छोटा, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं ऐसे आ गए लो भाई, यहाँ तक चढ़ा देंगे, ये दिक्कत ले रहे मेरे प्यारे भाई हो। बाकी ये देखते रहो जट मेरे खेता बिच नहीं, वो ये क्या बात है स्कॉर्पियो की भाई, ऑफ रोडिंग करने की ना मेरी पुरानी आदत है जिसके आपको पता ही है, इतनी ज़बरदस्त वाली यहाँ पे देख सकते हो फॉर्चुनर जो दसदा ए पी पी पेंट महाड़ी दे 3-0 पीछे अठवलिए वाली गाड़ी लानी पड़ेगी। तो मुझसे वाले भाई की फॉर्चुनर मेरे को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, ये वाली ऑफ रोडिंग देख के अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम लेके आ जाएंगे। क्या बात है भाई, यहाँ पे स्कोर पे देख के भाई ये खेत ना अभी देख सकते हो भाई, यहाँ पे खेत वगैरह पूरे कटे हुए हैं, तो कोई भी फसल नहीं है, वरना हम फसल को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते, तो आपको पता ही है ऑलवेज फार्मर ऑन एट टॉप मेरे भाई। बाकी ये देख लो पी पी पेंट महाड़ी से 3-0 पीछे अठवलिए वाली फॉर्चुनर चाहिए चाहिए। बाकी स्कोर पे भाई स्ट्रगल कर रही है भाई ऑफ रोडिंग, देख रहे हो चक्के कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं बिड़ो, वो एक नंबर सिस्टम थोड़ा पानी तो बिठाई दिया तुम्हारे भाई ने इधर की साइड। क्या बात है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त वाली स्पीड के साथ इधर की साइड कीचड़ वगैरह हो रहा है, शायद इसमें चावल वगैरह पता नहीं हम क्या लगाएंगे, टमाटर वगैरह जो भी लगाएंगे लगा लेंगे किसान भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
इधर की साइड से हम ऑफ रोडिंग वगैरह करके निकल चुके हैं। गाड़ी थोड़ी बहुत गंदी हो चुकी है तो धुलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से भाई एक दूसरी गाड़ी उठानी पड़ेगी अब तो मेरे को। ये क्या बात है, ड्रिफ्टिंग में भी तकड़ी है वैसे। और भाई इंटीरियर वगैरह देखे भाई, क्या बात है। वो ड्राइवर तो नहीं जा रहा, वो ड्राइवर का ट्रक जा रहा है। अरे भैंस के रुको रुको रुको, ड्राइवर का ट्रक तो ड्राइवर तो नहीं उसमें, बट ड्राइवर जैसा ट्रक लगा मेरे को आगे की साइड। भैंस की आँख, ये वाला ट्रक ड्राइवर के पास भी है। अरे ड्राइवर है के, अरे ड्राइवर, अरे भैंस के ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर नहीं है। मेरे को लगा एक मिनट के लिए तो ड्राइवर है, बाकी ड्राइवर को ट्रक पे हमने पीछे छोड़ दिया। हमारी स्कॉर्पियो भाई साहब ऑन टॉप हो ये। बाकी इंटीरियर वगैरह की मैं बात कर रहा था, काफ़ी ज़बरदस्त वाले इंटीरियर है हमारी स्कॉर्पियो पर। पीछे की साइड देख सकते हो डिस्प्ले कहाँ पे है, जस्ट अपने पीछे देख सकते हो। डिस्प्ले दिखी आपको? नहीं दिखी यार, एक मिनट दिखाने दो। मैंने आप लोग को ये वाली डिस्प्ले देख रहे हो पीछे की साइड, ये वाली, और भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाली चीज़ है। और आगे की साइड भी डिस्प्ले। गाने वगैरह भी सुनने का मन नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी खतरनाक वाला सीन हो रहा था। ऑफ रोडिंग भाई पूरी खींच के कर दी हमने। और लेट्स गो, अब चलते हैं सीधा कहाँ पे, अपने शोरूम की साइड, जहाँ पे आपको काफ़ी खतरनाक वाला कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा, फोटो वगैरह मंगाई थी मैंने अभी। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जितने आप चैनल और वीडियो को सब्सक्राइब करो उतने फिर आपसे लोगों से जाके मिलते हैं। इस वीडियो का एम लाइक रखते हैं 500 पार, तो 500 पार हो जाने चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, करवाई दोगे। आपका सपोर्ट भाई सिस्टम हैंग करने वाला है, तो मैं होप करता हूँ आपसे लोग करवाई दोगे 500 पार इस वाली वीडियो पे। और सीधा जाके मिलते हैं आप लोग भाई अपने शोरूम पे। हो ये लेट्स गो, क्या बात है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से 200 की रफ्तार से निकल चुके हैं यहाँ से आपसे लोग को एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाने के लिए। हो ये गाइज, हमारी स्कॉर्पियो पहुंच चुके हैं सीधा अपने भाई साहब शोरूम की साइड, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। और शोरूम के बाहर देख सकते हो भाई, चीज़ें मेरे को यहीं से नज़र आ चुकी है। स्टॉप वर्किंग वाले जो भाई इधर की साइड जो लगे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रोड पे भी लगे होते हैं, जो चीज़ इधर की साइड लगी है, वॉच फॉर स्टॉप व्हीकल्स। चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर की साइड गाड़ी लगवाते, गंदी कितनी ज़्यादा हो चुकी है अपनी स्कॉर्पियो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इधर की साइड ठेकेदार साहब की हाल चाल, सत श्री अकाल, की हाल है भाई साहब जी, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर मौज मार रहे हो यहाँ पे, हैं फोन वोन चला रहे हो, क्या देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो क्या मुझे? चलो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, कर लो कर लो। बाकी गाइस इधर की साइड शोरूम की साइड आप लोग को दिखाऊं, काफ़ी ज़बरदस्त वाला कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन हो चुका है। और ऊपर की साइड देखो भाई, मशीनें वगैरह पूरा पैक कर दिया आगे की साइड से, तो क्या बात है, क्या बात है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है इधर की साइड। तो ये कौन सी गड्डी है भाई, ये तो मेरे चलाने का मन कर रहा है, इसी पे शॉर्ट रूट दे दूँ क्या आपको? क्या बात है, एक नंबर चीज़ है ये तो। चलो चलो यार, तेरा चेतक पहचान है, तेरे चस्का रेड फरारी का भाई, क्या मन चीज़ है, एक नंबर चीज़ है भाई ये वाली। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, मजाक मजाक बहुत हो गया, अब आपसे लोगों को पूरी चीज़ में दिखाने वाला हूँ। पीछे साइड से ये देखो मलबा जो तोड़ के भाई बाहर से अंदर की साइड निकाला, जो डैमेज नहीं होगी थी, काली काली जो पट्स वगैरह पड़ गई थी वो रिपेरेशन इधर की साइड चल रही है। बाकी देख सकते हो यहाँ पे डंपर वगैरह भाई, पूरी बजरी रोड़ी सब कुछ आ चुकी है। ट्रैक्टर वगैरह की ट्रॉली वगैरह भी इधर की साइड खड़ी हुई है। और भाई इसके ऊपर वगैरह चढ़ के देखें तो यहाँ पे देख सकते हो पूरे डंपर के डंपर मंगा दिए भाई फ्रैंकलिन, काफ़ी तगड़े तरीके से इधर की साइड काम वगैरह करवा रहा है। और ऊपर की साइड मशीन वगैरह देखो, देख सकते हो पूरी मशीन वगैरह काम कर रही है इधर की साइड, क्या बात है, क्या बात है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। इधर वाला एरिया भी जो हमारी भाई पूरी डैमेज हो गए थे, सारी चीज़ें भाई इधर की साइड सही करने में लगे हुए, देख सकते हो मशीन वगैरह चल रही है इधर की साइड, डंपर वगैरह से भी काम हो रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त वाला सीन हो रहा है बिल्डों को इधर की साइड, तो क्या बात है, क्या बात है, काफ़ी मस्त सीन हो रहा है। और बाकी भाई इधर की साइड पूरे वर्कर वगैरह देखे तो पत्थर वगैरह भी तोड़ रहे हैं। अरे थक गया के, लचक आ गई कि कमर में, चल चल फटाफट काम करो यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। चलो भाई इसको भी धमका दिया, चल मशीन चला, मशीन चला फटाफट, ये क्या बात है, क्या बात है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इधर की साइड काम चल रहा है। तू कह रहा है टोर्च लगा के लगा हुआ है, अच्छा भाई साहब लोहा देख रहे हो, चलो देखो तो उसकी टोर्च और गिरा दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट देर की साइड से आते रहो भाई साहब, वो ठेकेदार साहब कौन, 2.0 क्या चल रहा है, फिर कितने दिन में हो जाएगा मेरा शोरूम? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोल रहे हैं कि थोड़े दिन में करके दे देंगे माइकल सर। बाकी इधर की साइड काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भाई देख सकते हो भाई, काम वाम चल रहा अपना भाई, और इधर की साइड क्या हो रहा है भाई, क्या लेके आ रहे हैं इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई, भाई काफ़ी खतरनाक तरीके से काम चल रहा है इधर की साइड देख सकते हो भाई साहब जी। इधर की साइड क्या ठोक रहे हैं ये, क्या बात है, क्या बात है, इसको ठोक ठोक के भाई पूरा डैमेज वगैरह को जो रिपेरेशन चल रही है काफ़ी खतरनाक तरीके से इधर की साइड से चल रही है, आप चलो को देखने को मिल रही होगी भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, बजरी रोड़ी ईंटे पट्टा सब कुछ आ चुके, देखो ईंटे भी आ चुकी इधर की साइड, ब्रिक्स जो कहते हो आप अंग्रेजी, अरे भैंस की आँख में तो गिर गया भाई, मेरा पैर लग गया यहाँ पे, ये क्या है, ये इधर की साइड क्यों निकाल रहे हैं भाई, ये वाली चीज़ मेरे पैरों में लगी और इससे मैं फिसल गया भैंस की आँख भाई, इधर की साइड ज़्यादा देर मेरे को रुकना नहीं चाहिए, मैंने पता नहीं मैं कितनी बार गिरूँ भाई इधर की साइड से, भाई ईंटों के ऊपर से मैं तो चल के बाहर आ चुका हूँ, ईंटे भी तोड़ी जा रही इधर की साइड, अरे मेरा तो भाई मुँह लगा धरती में, अब चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी इधर की साइड देख दो, फंटे वंटे सब आ चुके हैं इधर की साइड भाई, बाहर की साइड देखो पूरी चीज़ें सेफ्टी के साथ करवा रहे हैं, तो इधर की साइड देख दो ये सारी चीज़ें चल रही है। और बाकी गाइस कोर्ट में भी हमारा केस वगैरह हो चुका, तो उसके लिए हायरिंग वगैरह पे मुझे जानी पड़ेगी, डेट वगैरह भी निकलेगी, क्योंकि
जहाँ पे पूरा सीन वगैरह हुआ था आपसे लोगों ने देखा, काफ़ी ज़बरदस्त वाला हुआ था, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखते हैं जब डेट वगैरह आएगी हायरिंग वगैरह की तो हम जाएंगे और वहाँ पे हियरिंग पे जाएंगे और जो भी है सिस्टम तो दबानी होगा उधर करेंगे। बाकी यहाँ पे देखते हो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने बोर्ड वगैरह लगवा दिए, सारा सिस्टम सही तरीके से हो रहा है, ट्रक वगैरह भी आ चुके हैं, ब्रिक्स वगैरह भी आ चुके हैं, हर चीज़ आ चुकी है, काम वगैरह देखो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, अपनी मशीनें वगैरह भी काफ़ी तगड़े तरीके से ज़बरदस्त तरीके से काम वगैरह कर रही है। काफ़ी जल्दी मैं होप करता हूँ ये वाला जो शोरूम वगैरह भी अपना रिपेयर होके भाई अपने हाथ में होगा, एक नंबर चीज़ होते भाई। बाकी आपसे लोग बताओ भाई कितने दिन में ये शोरूम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ऊपर की साइड में जाकर देखो, ऊपर की साइड शायद इधर की साइड से जाना पड़ेगा, एक बार ऊपर की साइड भी जाके देखते हैं भी ये रही अपनी सीढ़ियाँ। चलो भाई सब ऊपर की साइड से भी आपसे लोग जाके दिखाता हूँ इधर की साइड से। भाई 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 क्या बात है, क्या बात है, यहाँ पे भी देख सकते हो भाई पूरा भाई रिनोवेशन चल रहा है शॉप वगैरह पे, और भाई डर भी लग रहा है मेरे को इधर की साइड से, तो क्या बात है, क्या बात है, लोगो वगैरह रिपेयर हो रहा है देख सकते हो भाई इधर की साइड से। चलो बढ़िया मेरे भाइयों, एक नंबर वाला काम कर रहे हो। और बाकी मेरे को यहाँ से उतरना है भाई, मेरे को तो सीढ़ी भी दिख रही है यहाँ से ऊपर से, भाई कहाँ है सीढ़ी, अरे मेरे भाई मैं यहाँ पर गलत तो नहीं आ गया, अरे भाई उतारो कोई तो उतारो, 100-200 एक्स्ट्रा ले लेना, पर मेरे को यहाँ से उतारिए चलो भाई साहब नीचे की साइड उतर जाते हैं। ओ ये देख रहे हो स्टाइल से उतर रहा हूँ मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपना लोगो वगैरह का भी रिपेरेशन चल रहा है, सारा सिस्टम तो दबानी सही हो गया है। अब मैं गाइस इधर की साइड से निकल लेता हूँ क्योंकि काफ़ी खतरनाक वाला सीन इधर की साइड हो रखा है, तो ज़बरदस्त तरीके से भाई साहब अपनी स्कूल पर तो मैंने क्लिनिंग वगैरह के लिए भेज दिया है, और अपनी दूसरी गाड़ी वगैरह को इसी मंगाते हैं, फ्रैंकलिन वगैरह को फ़ोन करते कि भाई फटाफट एक गाड़ी भेज इधर की साइड, मेरे को एक काफ़ी ज़बरदस्त मीटिंग के लिए भी जाना जो कि हमारी मलिको मेंशन की साइड होने वाली रॉयल फैमिली की छोटे वारी से न्यू सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उधर की साइड निकलते हैं थोड़ी देर में, एक बार गाड़ी आ जाए फिर निकलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाला सीन। अभी शोरूम का काम धाम आप लोग देखते तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इधर की साइड चल ही रहा है, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लैंड क्रूजर हमारी भिजवा दिया फ्रैंकलिन ने, और भैंस की आँखें कर रहा है सुअर भाई, अभी तो लग जाती ना तेरे 36 के 36 दांत यहीं पे कर देता, वैसे 32 होते गाइस पर इसके 36 और भी तोड़ता मैं कहीं और के भी। बाकी कोई दिक्कत नहीं गाइस, लैंड क्रूजर से हम निकल चुके हैं इधर की साइड से, देख सकते हो क्या जबरदस्त लग रही है, और ऐसी आपने बीबी गेमिंग के पास भी देखी होगी तो उन्हीं के वहीं से हमने ये वाली गाड़ी मंगाई है लाल कलर की, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर लग रही है। इंटीरियर वगैरह देखोगे, अरे एक नंबर टोयोटा का इंटीरियर है, गति सिस्टम हैंग करने वाला। बाकी लाइटें वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जल रही है, पीछे की लाइट वगैरह भी हमने जला रखी, और भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारिस को मैंने बोला है कि काफ़ी ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी मेरे हाथ लगी है जो कि NSG सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करने वाली है, उनकी भाई काफ़ी ज़्यादा धूप तो होगी क्योंकि भाई इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका भाई वो चीज़, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त वाला अटैक सिटी में हुआ ना इसलिए भीड़ लोगों। बाकी कोई दिक्कत नहीं गाइस, पूरा सिस्टम थोड़ा पानी आज वो करने वाले हैं, उससे रिलेटेड मेरे को भाई कुछ चीज़ें बात वगैरह करने वाली है, रॉयल फैमिली के छोटे वारिस वगैरह से पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे, और जो नई वाली सिक्योरिटी आएगी उसको शायद या तो हमें भाई रशियन माफिया के लिए चाहिए, फिर जो भाई अभी आने के बाद डिसाइड करेंगे उसको कायो पेरिको में जो हम लड़ाई लड़ने जाने वाले हैं रोलेक्स वगैरह से, वहाँ पर भी हम उस सिक्योरिटी को लेके जा सकते हैं क्योंकि उसके फीचर्स वगैरह उसकी जो चीज़ें बताई है भाई उनका एम वगैरह के बारे में जो बातें हैं ना शहर में काफ़ी ज़बरदस्त वाली, और काफ़ी टाइम से मेरे प्यारे भाइयों आप कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि ये वाली सिक्योरिटी लेके आओ, ये वाली सिक्योरिटी लेके आओ, भाई बच गई है, लग गई भैंस की आँख भाई, मेरे को लग ही रहा था इतने ज़बरदस्त वाले ब्रेक मारे ना मैंने एकदम से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी भाई चिंटू विंटू से ठीक करवा देंगे हमारे गैरेज वाले जो भैया है, फिर बहन ही को बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर के साइड से हम निकल चुके हैं भाई साहब पाइन वुड की गलियों से, फ्रैंकलिन को मैंने बोला है कि भाई कंस्ट्रक्शन बिजनेस की साइड आ जाए और वहाँ पे भाई पूरी नज़र रखो शोरूम का काम चल रहा कैसा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी वो नहीं गया होगा तो मैं सीधा उसको वहीं पे बोल दूँगा, बाकी कोई सिस्टम तो पानी नहीं है, फिर फ्रैंकलिन को इधर की साइड भेज देंगे और फ्रैंकलिन भाई पूरी नज़र रखेगा हमारा जो काम वगैरह हो रहा है इधर की साइड बिजनेस वगैरह का भी, और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं हो नीचे जाके। अब तो शायद गाइस दूसरा अटैक होने से पहले हमें उधर की साइड सिक्योरिटी लगा देनी चाहिए क्योंकि रिनोवेशन के टाइम पे भी तो भाई सिक्योरिटी पे अटैक वगैरह हो सकता ना काफ़ी ज़बरदस्त वाला, तो उधर की साइड कंस्ट्रक्शन वर्करों के लिए भाई काफ़ी ख़तरनाक वाली हमें चीज़ें वगैरह करनी पड़ेगी जो कि पूरी सिक्योरिटी हमारी तैनात रहेगी जब तक भाई हमारा उधर की साइड पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम शोरूम के आजू बाजू सिक्योरिटी लगा ही देंगे जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी अभी तो हम सीधा निकल रहे हैं मलिको मेंशन की साइड जहाँ पे जाके हम रॉयल फैमिली के साथ एक काफ़ी ज़बरदस्त वाली मीटिंग वगैरह करने वाले हैं, उससे पहले भाई साहब इसकी ड्रिफ्टिंग क्या बात है भाई, शिमले से टूर ने मनाली वाली है भाई, क्या मस्त पहाड़ों का व्यू आ रहा है, कभी देख के मन कर गया भाई साहब एक लाइक तो ठोक ही दो, तो आप भी लाइक ठोक दो भाई इसी बात पे। बाकी थोड़ी ऑफ रोडिंग करें भाई, ऑफ रोडिंग करते हैं ना ये वाली गड्डी भी भाई, अपनी ऑफ रोडिंग का आपको पता ही है सिस्टम सदा पानी करके दिखाते रहते हैं। बाकी ये देखो ओ ये क्या बात है, अरे भैंस की आगे तो टूट पड़ी भाई, इससे बढ़िया तो स्कॉर्पियो कर लेगी लैंड क्रूजर के कर दी टोयोटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई ये तो टूट पड़ी भैंस की, चलो यहाँ से करके दिखाते हैं। चलो भाई साहब ये
लो भाई साहब। और भाई इसकी ब्रेकिंग्स वगैरह थोड़ी यूं ही हो रखी, मुझे लग रहा बाकी आपसे लोग ये देखो हमारी भाई साहब, और अब यहाँ पर चढ़ा दें, यहाँ से चढ़ाते ना जब तब पता चलेगा लैंड क्रूजर में दम है कि फिर यही फुद्दू कंपनी है। ये देखो ओ ये भाई दम है, एक नंबर दम है, टोयोटा में यूं मान रहे हो। और ये देखो हमारी, चलो बढ़िया है, चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, सीधा पहुँचते हैं अभी तो भाई अपने मलिको मेंशन की साइड, और वहीं पे जाके आपसे लोगों से मिलते हैं, और फ्रैंकलिन से भी भाई पूरी बातचीत वगैरह करनी है, और भाई पेरिको का जो पूरा सिस्टम सोता पानी हम करने वाले फाइट वगैरह उसके बारे में भी रॉयल फैमिली से डिस्कस वगैरह करते हैं, और न्यू सिक्योरिटी का भी अभी सिस्टम सोता पानी हम बिठाते हैं एयरपोर्ट की साइड जाके, पर पहले भाई मीटिंग वगैरह काफ़ी जरूरी है। और ड्रिफ्टिंग देखो, इस ड्रिफ्टिंग की बात कर रहा था, क्या बात है भाई, लैंड क्रूजर ने दिल जीत लिया, तो चलते सीधा उधर की साइड और फिर वहीं पे मिलते हैं। ओ ये लेट्स गो। तो गाइज हम काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुके अपने मलिबो मेंशन के, सामने की साइड आपसे लोगों को दिख चुका होगा अपना काफ़ी खतरनाक वाला, आराम आराम से भाई ग्रोसरी स्टोर पे भी रुक गए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, जो कि भाई सब काफ़ी प्रोडक्ट है, पर उससे पहले भाई साहब ये देखते हो एकदम से कट मार के अपने पहुंच चुके हैं मलिबो मेंशन में, ऑटोमेटिक डोर्स वगैरह खुल चुके हैं और अपनी GMC की एंट्री हो चुकी है। खोले तो लैंड क्रूजर, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर चीज़ है। बाकी इधर की साइड आपसे लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त वाली अपनी सिक्योरिटी वगैरह नज़र आ रही होगी, क्या बात है, क्या बात है, कितने टोरे से घूम रही, देख रहे हो क्या, ओ ओ या 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 या, क्या बात है, क्या बात है, सिस्टम हैंग कर दिया। और बाकी तीन रेड कलर की गाड़ी खड़ी होगी आगे आके, ये देखो दो उधर की साइड और एक यहाँ पे, चलो भाई साहब यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो भाई कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त, लेस्टर भी यहीं आया हुआ है क्या, तो भाई लेस्टर से मैं बात ही कर लेता हूँ, ऊपर की साइड तो नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ उनको, भाई लेस्टर इधर की साइड ही आया हुआ है, फ्रैंकलिन भी अभी तक यहीं है, चलो बढ़िया। फिर तो गाइस एक भाई जो हमें नए वाला इनके लिए भी एक हैकिंग बेस वगैरह लेना है, तो उस चीज़ के बारे में बात वगैरह मैं कर लेता हूँ। बाकी इधर की साइड तीन रेड ब्यूटी हो गई है, रेंज रोवर, BMW और GMC वाली अपनी जो लैंड क्रूजर है वो भी इधर की साइड आ चुकी है, क्या बात है। और पीछे की साइड सिक्योरिटी वगैरह देख सकते हो, क्या बात है, चारों तरफ गाड़ी को भी चेक कर रही आते, चलो बढ़िया बढ़िया। बॉम्ब वगैरह तो नहीं लगा हुआ, तो सारे स्कैनिंग वगैरह का सिस्टम वो भी देख लेंगे। बाकी जितने हम ऊपर की साइड चलते हैं जहाँ पे अपनी पूरी मंडली खड़ी हुई है, उनसे भाई डिस्कस वगैरह करना है, जो न्यू हैकिंग बेस मैंने देखा उसके बारे में, तो भाई वो सारी चीज़ें देखनी है, और जो कायो पेरिको की सैटेलाइट की जो फाइल्स के बारे में मैंने बात करी थी लेस्टर से, उसका क्या रहा वो भी करते हैं। अरे तीनों तिगड़ी, तीन तिगाड़े काम बिगाड़े, क्या बात है, क्या बात है, हैकिंगल काफ़ी दिन बाद आई इधर की साइड, हाँ हाँ आप कह ही सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए मैंने एक नया हैकिंग बेस ढूंढ लिया है, और वो तुम तीनों को मैं काफ़ी जल्दी हैंड ओवर करने वाला, और काफ़ी मतलब उसको रेनोवेशन वगैरह रह रही है, तो वो सारी चीज़ें उधर की साइड हो रही है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक वाली जगह मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत मत लो, सारा सिस्टम सौदा पानी हम कर देंगे। बाकी लेस्टर मैंने तेरे को एक काम बोला था, जो कायो पेरिको की सैटेलाइट वाली जो मेरे को फोटोज़ वगैरह चाहिए थी वो कहाँ पे है। अच्छा अच्छा निकल गई है, बस थोड़ा सा उसमें जो भी रह रहा सिस्टम सोदा पानी, जो थोड़ी कसर रह रहा ना, वो सारी चीज़ें मेरे को चाहिए, बाकी एक दिन का काम नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, जैसे जैसे तेरे को फोटोज़ वगैरह मिलती जाए मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पे भी तू भेज सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे रखा, वहाँ से फॉलो भी कर लियो अपने भाई को, ठीक है, चल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, अब तूने ये फ़ोन छोड़ दे, बहुत चला दे तूने व्हाट्सअप, अब मैं यूँ कह रहा हूँ मेरी बात सुन, जो अपना शोरूम है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे मेरे को एक सिक्योरिटी की अभी सख्त ज़रूरत है, तो आज या कल में मैं सिक्योरिटी लेके आ जाऊँगा, बाकी प्रोबेबली आज ही आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बात वगैरह नहीं करी, उन बंदों ने कहा था कि सर हम आज ही भिजवा देंगे, तो उस वाली सिक्योरिटी के साथ तू रहेगा शोरूम के वहाँ पे पूरा, जितने दिन कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पूरा रेनोवेट तब तक नहीं हो जाता, तो पूरी सिक्योरिटी के साथ तेरी जिम्मेदारी है कि उधर की साइड पूरी वो संभालना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फ़ोन भी उधर ही चार्ज कर लिया, सुअर यहाँ पे फ़ोन चला रहा, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ यार, क्या ही बोलूँ इस फ्रैंकलिन को, इसलिए मेरा मन नहीं करता इसको कोई बिजनेस वगैरह ओपनिंग वगैरह करके देने का। बाकी फ्रैंकलिन तेरे लिए काफ़ी ज़बरदस्त वाली चीज़ मैंने सोची है, जो सामने इधर की साइड होटल वगैरह ना उसमें मैं इन्वेस्ट वगैरह करने की सोच रहा हूँ, अगर तू इंटरेस्टेड है तो बता। अच्छा भाई साहब अभी इतना लोड नहीं लेना, और कब लेगा लोड, अब हो गया तेरा, और वो विला के वरना उधर ना कल मुई को लेके बता जियो, भैंस के विला के उधर ना गई अपनी बंदी वगैरह को लेके आता, भैंस के इसका सिस्टम तो मैं हैंग करूँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता हूँ सिस्टम तेरा भी भाई, सेटलमेंट करना है फ्रैंकलिन तेरे को भी, और ड्राइवर को भी तेरे बिजनेस पार्टनरशिप करवा के इनका भी, गाइस एक होटल वगैरह मैं खुलवाने की सोच रहा हूँ इधर की साइड, एक होटल वगैरह वो सेल पे है, तो उसका देखते हैं इन दोनों का अगर सेटलमेंट हो जाता तो वो सब ठीक है। और बाकी मैं जो कहा है लेस्टर वो सारी चीज़ भेज दे मेरे को ना, जितने भी तेरे को फाइल्स वगैरह मिल चुकी है कायो पेरिको पे अटैक वगैरह हमें
काफी जल्दी करना है, तो मेरे को फटाफट काम हाथ वगैरह चला, अपना दिमाग भी चला, ठीक है। और हैकिंग के नया जो बेस वगैरह मिलने वाला है तुझे, हैकिंग वाला, वो तुझे काफी जल्दी मैं रिवील वगैरह करने वाला हूँ। अभी फोटोज वगैरह मैं भेज दूंगा कि क्या क्या तुम्हें इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह चाहिए, तो वो सारी चीजें भी बता दो, और कौन से मतलब ग्राफिक कार्ड वगैरह जो भी तुम्हें चीजें चाहिए वो सारी चीजें मेरे को डीएम वगैरह कर दो। और बाकी भाई वो वाला बेस वगैरह तैयार होकर भी रेडी है, बस जो जो चीजें तुम चेंजेस वगैरह कराओगे वो हम करवाई देंगे, ठीक है। और फ्रैंकलिन मैंने जो बात बोली है फटाफट उधर की साइड पहुंच जा तू भी, ठीक है। चलो चलो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, अभी काफी इंपॉर्टेंट वगैरह काम है, रॉयल फैमिली की छोटे वाले से मीटिंग वगैरह करनी है। तो गाइज एक बार अपना बेस वगैरह भी भाई देख लेते हैं, नीचे की साइड सारी चीज़ें सही है नहीं है, क्योंकि इनके लिए भी भाई काफी खतरनाक चीज़ें मैं प्लानिंग वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो फ्रैंकलिन है उसको भी भाई अब सेटलमेंट करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे ये दोस्त पास में है और साथ भी इसने काफ़ी ज़्यादा दिया है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ इधर की साइड एक होटल वगैरह खुलवा देता हूँ जिसमें पूरी अपनी अच्छी कमाई वगैरह कर लेगा भाई। तो कोई दिक्कत नहीं, बीच वगैरह की साइड इसकी होटल वगैरह हम काफ़ी जल्दी खुलवाएंगे, जो एक सेल पे है तो उसका भाई हम काफ़ी जल्दी खरीदेंगे, क्योंकि मोटा पैसा तो अभी हमारे पास है। बाकी यहाँ पे देखिए तो हमारी सिक्योरिटी क्या बात है, सामने से हट गया, आप देख रहे हो कितनी समझदार है, चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी यहाँ पे देखते हो मलिबो मेंशन काफ़ी ज़्यादा शांत पड़ा हुआ है, और अपने एयर डिफेंस वगैरह भी ऊपर की साइड लगे हुए हैं। और बाकी सामने की साइड आपसे लोग दिखाऊँ तो अंडर वाटर माफिया के बेस को भी हम रिपेरेशन वगैरह उसी कंपनी से करवाएंगे जिसने अभी हमारा उधर की साइड काम वगैरह कर रही है, तो सारा सिस्टम तो पानी उधर की साइड करवाएंगे, पर अभी तो कोई भी नहीं जाता उधर की साइड, पूरा खाली पड़ा हुआ उसका मेंशन वगैरह। कि यहाँ पे नीचे वगैरह चलते हैं हम अपने बेस पे, तो यहाँ पे देखते तो काफ़ी ज़बरदस्त वाली चीज़ें आपको दिखेगी, जो हमारा पूरा स्टॉक वगैरह गन्स का हम इधर की साइड ही रखते हैं, पूरी गोलियाँ वगैरह देखते तो इधर की साइड रखी हुई है, 7.62 5.56 सारी चीज़ इधर की साइड, और बम वगैरह भी देखते तो गाइस ये वाली जो बारूद वाली मशीन है इसमें हम बम वगैरह भी बनाने स्टार्ट करते हैं, तो इधर की साइड देख सकते हो बम वगैरह भी बन गए, और इधर की साइड छोटे वाले बम भी देख सकते हो, अपने एयर डिफेंस का पूरा सामान देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है, अपनी फ्लेयर गन्स वगैरह देख सकते हो, अपनी हाईटेक वाली गन्स वगैरह देख सकते हो जो मैंने आपको चला के भी दिखाई थी, ये वाली गन्स भी देख सकते हो, यूएमपी देख सकते हो इधर की साइड, 1000 राउंड फायर वाली मशीन गन्स भी इधर की साइड देख सकते हो, और बड़ी वाली जो हाईटेक वेपन्स है ये देख सकते हो इधर की साइड लगे हुए, और यहाँ पे भी लगे हुए, ये देख सकते हो भाई पूरा पैसा, यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक हमारे पास है। यहाँ पे ऊपर की साइड दिखाऊँ तो पूरी अपनी मशीन गन्स का पूरा स्टॉक हमने रिन्यू करवा दिया, शॉर्ट गन्स वगैरह यूएमपी और गोल्डन गन्स भी हमारे पास रखी हुई है। गाइस इधर की साइड आप लोग को दिखाऊँ तो ये रही भाई जो रॉयल फैमिली ओनली फाइट वगैरह में यूज़ करती है, जब राजा को लड़ने जाना हुआ तभी ये गोलियाँ यूज़ होती है। और बाकी इधर की साइड देखते तो भाई पूरी गोलियाँ बिखरी हुई है, नीचे की साइड जो अंडर वाटर माफिया से हम काफ़ी चीज़ें लूट के लाए हैं वो भी रखी हुई है, ग्रेनेड वगैरह देख सकते हो, स्मोक का देख सकते हो ग्रेनेड, इधर की साइड गोल्ड वगैरह पैसा वगैरह हीरे जवाहरात मोती ऊपर की साइड अटैची में आपको दिख रहे होंगे, क्या बात है काफ़ी खतरनाक वाली चीज़ है। बाकी सारा सिस्टम तो पानी सही हो गया, बाकी यार एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, जो इधर की साइड अंडर वाटर माफिया से हम वॉच का स्टॉक लेके आए थे ना, देखो उसकी वॉचें वगैरह उधर की साइड पड़ी हुई, तो काफ़ी जल्दी दिखाते हैं उसका भी सिस्टम तो पानी जब अंडर वाटर माफिया के सामने हम सारी चीज़ें करने वाले, बाकी काफ़ी खतरनाक है। इधर की साइड गन्स वगैरह का भी पूरा स्टॉक है देख सकते हो, समरीन का भी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, समरीन वगैरह गाइज आप लोगों को कमेंट वगैरह करके बतानी पड़ेगी किस साइड हमें समरीन लेनी चाहिए, नॉर्थ में, साउथ में, एयरपोर्ट के पास, सैंडी सोर्स, या फिर हमें पलीटो बे में लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बता दो। बाकी अपना पूरा गन का स्टॉक तो काफ़ी ज़बरदस्त वाले इधर की साइड रिन्यू हो चुका है, सारी चीज़ें सेट है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर में रॉयल फैमिली की छोटे वाली से इधर की साइड आने वाले हैं, उनसे भाई पूरा सेटलमेंट वगैरह करना है, पूरी चीज़ें वगैरह मुझे पता करनी है, और उसके बाद काफ़ी खतरनाक वाली सिक्योरिटी लेने के लिए एयरपोर्ट वगैरह की साइड भी निकलनी है, तो उसके लिए मैं फ़ोन वगैरह करके अभी पूछ लेता हूँ कि क्या सिस्टम सोदा पानी चल रहा है, कितनी देर में उधर की साइड आने वाला है, और जितने भाई नीचे की साइड में पूरी शुद्ध हवा लेता हूँ, क्योंकि भाई इतना स्ट्रेस हो चुका है जिंदगी में, भैंस के यहाँ 2 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं है। इधर की साइड क्या चल रहा है भाई, पार्टी वार्टी बना रही है, तो क्या बात है भाई, लेस्ट वगैरह चलो सेलिब्रेट करो तुम इधर की साइड जितने भाई विक्ट्री, और बाकी मैं इधर की साइड यार बोतल वगैरह चलो है यार इधर बोतल भी है, और मैं फ़ोन वगैरह बुक करके पूछता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी आज आ रही है या नहीं आ रही, सारी चीज़ें करते हैं। और रॉयल फैमिली के छोटे वाले से भी मीटिंग वगैरह होने वाली है, तो उसका वेट वगैरह करते हैं। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि इस वीडियो का एम लाइक है 500, तो 500 बार आपसे लोग करवाई दोगे, 500 लाइक्स फटाफट कराओ जितने, फिर आपसे लोगों से मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट तो आप कर ही दोगे कैसी लग रही है आपको माइकल डिसेंटा की सीरीज, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे रॉयल फैमिली के छोटे वारिस आ चुके और हमें नीचे की साइड बुला रहे, तो फटाफट हम इधर की साइड से निकलते हैं, ऊपर की साइड प्रोग्राम वगैरह सोच रहा था मैं एक दो पैक मार लूं, पर इतने में ही भाई फोन आ चुका है नीचे की साइड, अपने रॉयल फैमिली के छोटे वारिस पहुंच चुके हैं, और भाई साहब अपना भाई सिस्टम सोदा पानी उनके सामने पेश करना है कि काफी खतरनाक वाली सिक्योरिटी आज ही आ रही है हमारी भाई साहब एयरपोर्ट की साइड, सो उसको पिकअप करने के लिए थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं, पर उससे पहले इधर की साइड देख सकते हो क्या बात है भाई, रॉयल फैमिली के छोटे वारिस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिक्योरिटी के साथ आए हैं, क्या हाल है रॉयल फैमिली के छोटे वारिस, सब बढ़िया एक नंबर, मजे में हैं, काफ़ी खुश लग रहे हो आज तो,
हाँ कुछ तो हो गए, मुझे पता है आपका जो शोरूम है उसका काम भी शुरू हो चुका है। बाकी सिक्योरिटी के आदमी काफ़ी तगड़ी वाली गन्स वगैरह दे दिया आपने भी, क्या बात है क्या बात है, चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी ये बताओ ये लैंड क्रूजर कैसी लग रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमेडी वाला सीन हो चुका है। बाकी मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो अपना शोरूम है वहाँ पे देखो अभी भी हमें सिक्योरिटी लगानी, चूँकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ भी वहाँ पे अटैक वगैरह हो गया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आप समझो थोड़ी मेरी बात। और जो आज सिक्योरिटी वगैरह एक आने वाली है NSG सिक्योरिटी की टाइप से, तो वो मैं आपसे लोगों को बताऊंगा कि कौन सी सिक्योरिटी आ रही है, उसके बारे में आपसे लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह देने वाला हूं, क्योंकि NSG सिक्योरिटी का मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नाम खराब हुआ है, तो वो वाली सिक्योरिटी काफ़ी ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी भेजने वाले, तो थोड़ा मेरा सिस्टम सोदा पानी आप समझो। और शायद वो वाली सिक्योरिटी वो ऐसे बोल रहे थे कि कायो पेरिको के अटैक वगैरह कर सकते हो, तो वो भाई उधर की साइड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उधर की साइड है पूरा भाई साहब पतझड़ वाला और ग्रास वगैरह, तो वो वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो बताओ फिर वो वाली सिक्योरिटी को आज रिसीव करने मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में, और बाकी जो भी सिस्टम सोदा पानी होगा मैं आपको बता ही दूंगा, जो भी जैसे उनकी स्किल्स वगैरह सारी चीज़ें हम टेस्टिंग वगैरह करवा के देख ही लेंगे। जो हमारी इज़राइल सिक्योरिटी को अगर उसने हरा दिया तो उस सिक्योरिटी को हम मान जाएंगे कि वो सिक्योरिटी ले जाने लायक है कायो पेरिको की फ़ाइट में, क्योंकि रोलेक्स वगैरह भाई काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से हमें ट्रोल वगैरह कर रहे हैं, मीम वगैरह बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि रॉयल फैमिली को धो दिया भाई शहर में ये वो, तो सारी चीज़ें मेरी बात समझो आप। और भाई मेरे को बस एक चीज़ का वेट करने दो कि कैसे भी करके एल रूबियो इधर की साइड आ जाए, फिर तो मैं रोलेक्स पे भाई अकेला ही हमला बोल सकता हूँ, इतना कूदा तो हम भी रखते हैं बिरदो, और इतनी खतरनाक सिक्योरिटी हमारे पास भी है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है रॉयल फैमिली की छोटे वाले साहब ना, जो भी है अभी देखो आपके सामने मैं एक और चीज़ रखता हूँ कि अभी हमें शोरूम की साइड अभी सिक्योरिटी वगैरह लगा के रखनी चाहिए, ताकि हमारा शोरूम जितने रिपेयर वगैरह होता है उतने तो सेफ रहे, वरना अभी वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। फ्रैंकलिन को मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उधर की साइड दे दिया कि वो वहीं पे उधर की साइड ही देखने वाला, अब सारी चीज़ें जितना भी अपना काम वगैरह चल रहा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है शोरूम वगैरह का। और बाकी आपको भी अगर उधर की साइड जाना है तो पूरी सिक्योरिटी वगैरह लेके जाना, क्योंकि उधर की साइड काफ़ी ज़्यादा खतरा, और उधर की साइड काफ़ी नई नई गैंग्स भी आ चुकी है, जैसे कि GSF वहाँ पे एक नई गैंग आई है, वागोस और बालाज वगैरह तो उधर की साइड पहले से ही थी, पर अभी एक नई गैंग आई और नई गैंग से हमें कोलैब वगैरह करके उधर की साइड एरिया में हमें अपना दबदबा बनाना चाहिए, आप समझो मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल, या तो देखो हमारे पास तीन चॉइस है, या तो हमें बालाज वाली गैंग से मीटअप करना चाहिए, या फिर हमें वागोस से करना चाहिए, या GSF से, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग्स में से उन्हीं तीन का नाम काफ़ी ज़्यादा मतलब मशहूर है अपने शहर में तो लॉस सैंटोस में। तो बाकी आप बताओ और कोई गैंग हो उसका आप बता सकते हो, बाकी जो भी कहोगे उससे हम मैं मीटअप वगैरह मीटिंग वगैरह सेट कर लेंगे, और जो अपने शोरूम वाला एरिया उधर की साइड पूरा दबदबा फिर उस गैंग का ही बना के हम रखेंगे, आसपास में कोई भी अटैक हो तो बैकअप के लिए सबसे पहले वो गैंग पहुँचेगी उधर की साइड, क्योंकि ग्रूव स्ट्रीट के काफ़ी ज़्यादा करीब है हमारा शोरूम, आप सब लोगों ने देखा ही है गाइस। तो उधर की साइड बताओ रॉयल फैमिली की छोटे वाली फिर कैसे सिस्टम सोदा पानी सेट करना है? जी जी, मेरे हिसाब से तो जो आप गैंग का नाम ले रहे हो उससे हमें करना चाहिए, बाकी गाइस आप सब लोग भी कमेंट वगैरह करके बताओ कि किस गैंग से अब हमें हाथ मिलाना चाहिए, जिसके थ्रू हम पूरा सिस्टम सोदा पानी कर सके सेट अपने शोरूम की साइड, जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो फटाफट उधर की साइड वो गैंग वगैरह भी पहुँच के हमारी सिक्योरिटी की मदद वगैरह कर सके। जी जी रॉयल फैमिली की छोटे वाले, हाँ हाँ अभी थोड़ी देर में आने वाली वो नई वाली सिक्योरिटी, उसको एयरपोर्ट वगैरह पे मैं पिक वगैरह करने जाने वाला हूँ। जी जी हाँ हाँ कोई भी दिक्कत मतलब सारा सिस्टम सोदा पानी मैं देख लूँगा, और जैसे कोई भी अपडेट मिलता है उस सिक्योरिटी से कायो पेरिको से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। बाकी उधर की साइड आपको जाना तो मैंने बताई दिया, पूरी सिक्योरिटी और बंदोबस्त के साथ जाना, कोई भी दिक्कत उधर की साइड नहीं होनी चाहिए आपको, समझ रहे हो, या मेरे को फ़ोन कर देना मैं अपने प्रोटोकॉल के साथ आपको लेके चलूँगा शोरूम की साइड, अगर आपको शोरूम वगैरह देखना तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुछ व्हीकल्स वगैरह की भी वो बात वगैरह करी थी नई सिक्योरिटी की, उनके साथ कुछ खतरनाक वाले व्हीकल्स वगैरह भी लेके आने वाली है, जिसको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हैंडलिंग वगैरह करने वाले, तो आप दिक्कत मत लो, सारी चीज़ें अभी मैं उधर की साइड ही जाके बता दूँगा। और अपनी जो सिक्योरिटी वगैरह लेके जाने वाले हैं उसका भी मैं करता हूँ कि कौन सी सिक्योरिटी उधर की साइड जाने वाली है वेलकम करने के लिए, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ ब्लैक कमांडोज को लेके चले जाऊँ, क्योंकि ब्लैक कमांडोज अभी ज़्यादा मतलब इधर की साइड फ्री है। जी जी हाँ हाँ मुझे पता, बंकर के लिए भी हमें नई सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने सिक्योरिटी ले रखी है वो ले रखी है भी रशियन माफिया की, जो इज़राइल सिक्योरिटी है मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि उसको मैं वो वाली सिक्योरिटी दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं उसको इज़राइल सिक्योरिटी दे देंगे, उनके लिए जो अपनी एक काफ़ी खतरनाक वाली सिक्योरिटी हो बंकर के लिए मैं मंगाने वाला हूँ, कोई भी दिक्कत मत लो। जो ये वाली सिक्योरिटी आती पहले इसका तो देखते हैं इसको क्या करना है। हाँ हाँ आप दिक्कत मत लो, आज ही मैं बुकिंग वगैरह करवाता हूँ अपने बंकर के लिए नई सिक्योरिटी, आप दिक्कत मत लो।
जी जी ठीक है रॉयल फैमिली की छोटे वारिस पर मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, आप भी अगर जा रहे हो तो रुक जाओ, बाकी ऊपर की साइड वो पार्टी वगैरह कर रहे हैं फ्रैंकलिन वगैरह, तो उसके साथ इन्जॉय वगैरह भी आप कर सकते हो। जी जी चलो चलो ठीक है, फिर आपको मीटिंग में जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी इधर की साइड से निकल ही रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है चलो मिलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से हमें काफ़ी ख़तरनाक वाला अप्रूवल मिल चुका है। एक तो गाइज़ हमें अपना जो बंकर है वहाँ के लिए नई सिक्योरिटी वगैरह चाहिए, और जो आज सिक्योरिटी आने वाली है उसका जैसे हमें अपडेट वगैरह मिलता है तो फिर हम मलिबो मेंशन से सीधा उधर की साइड ही निकलने वाले हैं। काफ़ी ज़बरदस्त वाली, काफ़ी ख़तरनाक वाली सिक्योरिटी वगैरह आने वाली है, और रॉयल फैमिली के छोटे वारिस थोड़ी देर में इधर की साइड से चले जाएंगे, फिर हम भी निकलते हैं थोड़ी देर में। जैसे हमें अपडेट वगैरह मिलेगा तो फिर हमें काफ़ी ख़तरनाक वाला सीन वगैरह करने वाला है। जितने भाई इधर की साइड गोल्फ वगैरह खेल लेता हूँ अपने मलिबो मेंशन पे, देखते तो काफ़ी ज़बरदस्त वाले व्यू है, देखते तो भाई नीला नीला समंदर, और भाई क्या बात है, एक नंबर सिस्टम हैंग करने वाली चीज़। और गाइज़ जो सामने वाला मेंशन है उसको तो हम रखने वाले, गाइज़ जैसे कि आपने कमेंट वगैरह किया था कि ये वाला मेंशन आप रख लो तो हमने रख लिया। बाकी कोई भी दिक्कत मत हो गाइज, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई कमेंट वगैरह करके बताओ जो हमें भाई अपने बंकर के लिए कौन सी सिक्योरिटी लेनी चाहिए या कौन सी सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। जल्दी जल्दी भाई सब कमेंट करो, क्योंकि बंकर के लिए अब हमें एक और सिक्योरिटी चाहिए, और आज जो सिक्योरिटी आने वाली है वो तो काफ़ी ज़बरदस्त आने वाली है। वीडियो को तो लेट्स गो, थोड़ी देर इधर की चिल वगैरह करते हैं और फिर आपसे लोगों से मिलते हैं। ओ ये लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो वक्त आ चुका है अब अपनी नई सिक्योरिटी का वेलकम करने के लिए। तो भाई साहब सारी सिक्योरिटी को मैंने उधर की साइड भेज दिया है, जो हमारी गॉस सिक्योरिटी है वो आज वेलकम करने जा रही है, जो हमारी नई सिक्योरिटी आ रही है तो उसको रिसीव करने के लिए रेंज रोड्स वगैरह, और इधर की साइड से मैं डिफेंडर उठा लेता हूँ, क्योंकि गाइज कुछ बड़ी वाली शानदार वाली गाड़ी हम लेके इधर की साइड से निकलने वाले हैं। बाकी कैसी लग रही है वो डिफेंडर वगैरह देख लो, कितनी चमचमाती, एक नंबर सिस्टम हैंग करने वाली लग रही है। और गाइज अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि कभी भी हमारी नई वाली सिक्योरिटी उधर की साइड पहुँचती है तो उनका वेलकम करने के लिए हम जा रहे हैं इधर की साइड से। क्या बात है, एक नंबर चीज़ है भाई डिफेंडर, तो भाई देख के भाई इतनी छोटी वर्गी गाड़ी है ना भाई, कभी मज़ा आ गया। और अंदर से आपसे लोग को इंटीरियर दिखाऊं तो देख सकते कितना ज़बरदस्त है, काफ़ी ख़तरनाक है। बाकी इसको इधर की साइड से लेके हम तो मलिबो मेंशन की साइड से निकल चुके हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और जो हमें अपनी जो लैंड क्रूज़र लेके आए थे उसको भाई फ्रैंकलिन लेके निकल चुका उधर की साइड, शोरूम की साइड सारी चीज़ें वही देख रहा हूँ, जितने भाई सिक्योरिटीज़ वगैरह को। और बाकी भाई डिफेंडर क्या प्यारी लग रही है भाई साहब रे, क्या ज़बरदस्त खतरनाक वाले ब्लैक जर्सी से, एक नंबर सिस्टम हैंग करने वाली चीज़ लग रही है। और गाइज हम निकल चुके काफ़ी ज़बरदस्त वाली नई वाली सिक्योरिटी रेलिंग के लिए, जिसको देख के आप भी कहोगे वाह माइकल डिसेंटा मौज करवा दी, एक नंबर वाली न्यू वाली सिक्योरिटी हम लेके आ रहे हैं। और भाई एयरपोर्ट पे उधर की साइड कभी ना कभी तो भाई साहब एक नंबर ज़बरदस्त सिक्योरिटी हमारी आनी थी, वो दिन आज आ चुका है जब हम एक और नई वाली ब्रांड न्यू सिक्योरिटी लेने जा रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त वाली, काफ़ी ज़्यादा तारीफ होगी उस सिक्योरिटी को आप लोग देख के। और भाई इधर की साइड से जो हमारे ये वाला विला है, जो हमें रॉयल फैमिली ज्वाइन करी थी तब ये वाला विला मिला था, तो ये तो अभी तक खाली पड़ा है, क्योंकि इसमें इतने टाइम से दुबई का शेख रह रहा था भाई, दुबई का शेख भाई जब से गया दुबई की साइड तो ये खाली पड़ा हुआ इधर की साइड, कोई भी दिक्कत नहीं। बाकी हम तो निकल चुके हैं एयरपोर्ट की साइड काफ़ी ख़तरनाक तरीके से, क्योंकि वहाँ आने वाली आज ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी, जिसको देख के आप भी भाई मौज मान दोगे। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, हम फटाफट उधर की साइड ही चलते और वहीं पे जाके आपसे लोगों से मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक सिक्योरिटी का ना मेरे से वेट हो रहा ना आपसे लोगों से वेट हो रहा, तो सीधा उधर की साइड ही चलते हैं और आपसे लोगों से मिलते हैं। ओ ये लेट्स गो, क्या बात है, सिस्टम हैंग हो गया इधर की साइड तो, और डिफेंडर पूरी 150 की रफ्तार से चल रही है, देख सकते सिटी के अंदर भी क्या बात है। अरे भैंस की आँख भाई, 150 की रफ्तार में भी ब्रेकिंग्स वगैरह काफ़ी प्यारी और काफ़ी ज़बरदस्त लुक तो है ये इस गाड़ी का, तो सीधा उधर की साइड ही ले जाके आपसे लोगों से मिलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं नई वाली सिक्योरिटी का वेलकम करने के लिए, हमारी जो गोस्ट सिक्योरिटी है वो भी आ चुकी है, और हमारे बीबी गेमिंग की जो सिक्योरिटी है नए वाले जो ब्लैक कमांडोज है वो भी आए हुए हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे इधर की साइड। और हमारी नई वाली सिक्योरिटी आ चुकी है, क्या आप सब लोगों को दिखा दें नई वाली सिक्योरिटी? चलो पहले लाइक कर दो यार, इतने सारे लोग देख रहे हो और इतने कम लाइक है, तो पहले लाइक वगैरह कर दो, फटाफट लाइक करो, लाइक करो, और 1 2 3 होते हम रिवील कर देंगे, तो फटाफट मेरे भाइयों प्यारे भाइयों लाइक कर दो जितने हम आपको दिखाएं। तो हमारी गॉस सिक्योरिटी देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और इससे भी खतरनाक वाली सिक्योरिटी हमारे सामने खड़ी हुई है, पूरी सिक्योरिटी आ चुके नई वाली सिक्योरिटी का वेलकम करने के लिए, सारी रेंज रोड्स वगैरह में अभी वो जाने वाले हैं। और सामने की साइड आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिख ही गया होगा, तो भाई साहब आप दिखाई देते हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाला सीन। तो गाइज हमारी जो नई वाली NSG सिक्योरिटी देख सकते हो आ चुकी है, जो कि भाई काफ़ी डेंजरस लग रही है, और काफ़ी टाइम से आप लोग कह भी रहे थे कि NSG सिक्योरिटी लेके आओ, NSG सिक्योरिटी लेके आओ, तो भाई साहब ये जो NSG सिक्योरिटी है
भाई कितना खतरनाक इनका आउटफिट है, देख सकते हो भाई पीछे की साइड से ग्रेनेड वगैरह कैसे लगे हुए इनकी वेस्ट वगैरह पे, और टोपी वगैरह गोल वाली पहन के इधर की साइड ये आ रखे। और भाई जो हमारे बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी है ये भी इनका वेलकम करने के लिए इधर आ चुके हैं, जो अपने ब्लैक कमांडोज और इनकी हाथों में देखो कितने जबरदस्त वाले वेपन्स है। ये नॉर्मल वेपन्स वगैरह अपने लेके आए पर काफ़ी जबरदस्त लग रही है अपनी एनएसजी सिक्योरिटी, देख सकते हो कितना खतरनाक इनका लुक है। और भाई साहब फेस पे देखो ये मास्क वगैरह कितना तगड़ा लगा, और गोल वाली टोपी इनकी क्या बात है, क्या बात है, काफ़ी ज़बरदस्त। और नीचे की साइड भी इनके आउटफिट की बात करें तो शूज़ वगैरह के ऊपर देखो भाई साहब क्या ज़बरदस्त लग रही है और ख़तरनाक लग रही है। और पीछे भाई साहब इन प्लेन्स वगैरह में ये वाली सिक्योरिटी आई है, अंदर की साइड और भी सिक्योरिटी खड़ी हुई है। इधर की साइड आपसे लोग को दिखाऊँ तो ये देख लो भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाली एनएसजी सिक्योरिटी आ चुकी है, काफ़ी ख़तरनाक भी लग रही है बिल्डों को। मेरे हिसाब से तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट एनएसजी सिक्योरिटी है, और इससे हम कायो पेरिको की साइड फाइट वगैरह भी लड़ने जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी डेंजर लग रही है। और इनका जो ग्रीन वाला जो ये कॉस्ट्यूम है ना, ये वाली जो इनकी ड्रेस है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगी कहाँ पे, कायो पेरिको में, क्योंकि कायो पेरिको में घास वगैरह होगी तो घास वगैरह देख सकते हो भाई इससे भी मतलब ख़तरनाक, वहाँ पर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो पूरी डार्क घास होती है, तो वहाँ पर भाई ने स्नैक वगैरह बन के भाई वहाँ पर फाइट वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा दबदबा है भाई सिक्योरिटी का। और उधर की साइड ये वाली सिक्योरिटी मेरे सब हिसाब से तो बेस्ट वगैरह रहेगी। बाकी आपसे लोग बताओ कि हमें कायो पेरिको में ये वाली सिक्योरिटी लेके जानी चाहिए या फिर हमारी जो नई एनएसजी सिक्योरिटी है फुल ट्रेंड वो वाली लेके जानी चाहिए। और भाई साइड में देख सकते हो ग्रेनेड वगैरह इनके भाई काफ़ी मस्त, और भाई पीछे की साइड से देख सकते हो कितना खतरनाक इनका आउटफिट वगैरह। और भाई यहाँ पे देखो स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह, पता नहीं कौन से ग्रेनेड से, अभी भाई पूरी जांच पड़ताल तो करेंगे। और भाई काफ़ी ज़्यादा सिस्टम हैंग कर दिया इन्होंने इधर आके, काफ़ी प्यारी लग रही है मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट है भाई ये वाली सिक्योरिटी कायो पेरिको की फाइट के लिए, और भाई साहब रोलेक्स को धूल चटाने के लिए। बाकी हम सोच रहे हैं कि गाइस ये वाली सिक्योरिटी है इसमें भी भाई बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी में भी कुछ अपग्रेडेशन वगैरह करनी चाहिए, बाकी वो तो हम बाद में देखेंगे। बाकी यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी वगैरह आ चुकी है भाई पूरा वेलकम करने के लिए। गोस्ट सिक्योरिटी देखो, जो गोस्ट सिक्योरिटी का आउटफिट है पहले ये देखो भाई कितना खतरनाक ज़बरदस्त है, और इनका भाई साहब इनका तो और भी खतरनाक। और भाई पीछे की साइड से जो ग्रेनेड्स वगैरह लटके हुए हैं ये तो काफ़ी ख़तरनाक। और भाई साहब ये वाली जो एनएसजी सिक्योरिटी है ये भाई काफ़ी ख़तरनाक लग रही है भीड़ों को, मेरे हिसाब से तो देख सकते हो वन ऑफ द बेस्ट एनएसजी सिक्योरिटी, और इससे भाई हमें फ़ाइट वगैरह ज़रूर करानी चाहिए और सिक्योरिटीज़ की। बाकी आप सब लोग कमेंट वगैरह करके बताओ कि कौन सी सिक्योरिटी से हमें फ़ाइट वगैरह करानी चाहिए, इज़राइल सिक्योरिटीज इसकी फ़ाइट करानी चाहिए या फिर हमारे ये वाले जो ब्लैक कमांडोज आज वेलकम करने आए ये वाली सिक्योरिटी इससे हमारी फ़ाइट वगैरह करवानी चाहिए, या फिर जो मयंक भाई के जो ब्लैक कमांडोज है उनसे इनकी फ़ाइट करानी चाहिए। बाकी आपसे लोग कमेंट वगैरह करके बता दोगे। बाकी एनएसजी सिक्योरिटी बताओ कैसी लग रही है, मेरे को तो काफ़ी ख़तरनाक वाली लग रही है, एक नंबर सिस्टम हैंग करने वाली। और पीछे की साइड प्लेन वगैरह में आई है तो गाइस इनके जो वेपन्स वगैरह आने वाले हैं दूसरे वो मयंक भाई को हमें डीलिंग वगैरह करके बताने पड़ेंगे कि न्यू सिक्योरिटी के लिए न्यू वेपन्स हम मंगाएंगे। और गाइस इनके लिए ना हम छोटे वेपन्स ही मंगाएंगे, देखो ये देखो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं भी ये वाले जो कॉम्बैट राइफल है इनके पास, ये वाली भी मस्त लग रही है, और इससे भी भाई छोटी वाली जो मिनी टाइप आते हैं वो वाले भाई जो वेपन्स वगैरह हम मंगाने वाले हैं, जो कि डीलिंग वगैरह आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगी, काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। और बाकी वेलकम करता हूँ मैं भाई एनएसजी सिक्योरिटी का लॉस सेंटोस में काफ़ी ख़तरनाक तरीके से, और इधर की साइड सारी गाड़ियाँ वगैरह आ चुकी है जो कि भाई इन वाली जो सिक्योरिटी को हम लेके निकलने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो गाइज एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे ना एनएसजी सिक्योरिटी ज़्यादा खतरनाक लग रही है या फिर बीबी गेमिंग के ब्लैक कमांडो ज़्यादा खतरनाक लग रही है, ये तो आपसे लोग कमेंट वगैरह करके बता दोगे। बाकी भाई काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इनका वेलकम वगैरह कर दिया, अब इनको रूल रेगुलेशन वगैरह बता देंगे लॉस सैंटोस के जो भी है, और फाइट के लिए इन्हें ट्रेंड वगैरह करना है ताकि भाई खतरनाक चीज़ होने वाली है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हमारा साथ दे सके। बाकी ठीक है, फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मिला, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताओ ये वाली सिक्योरिटी ज़्यादा ज़बरदस्त है या फिर ये ब्लैक कमांडो ज़्यादा खतरनाक है या फिर एनएसजी वाई खतरनाक है। मेरे को तो भाई दोनों सिक्योरिटी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, बाकी कमेंट वगैरह आप करके बताई दोगे। और भाई हमें कौन सी सिक्योरिटी लेके जानी चाहिए रोलेक्स का सिस्टम हैंग करने के लिए कायो पेरिको में जब हमारी फाइट होगी, तो उसके लिए भी आप लोग हमें सजेस्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी ठीक है, फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं कमेंट कर देना फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और थोड़ी देर में आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट तो हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाले, तो फटाफट कमेंट वगैरह कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट वगैरह करके तो ये वाली चीज़ तो आपको बतानी पड़ेगी। जब तक ले चंगा, फिर अगली घड़ी बाय बाय, और अब चलते हैं आपसे लोग के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने, ओ ये लेट्स गो।
गाइज हमारे प्यारे कमेंट सेक्शन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले लिखा है भाई ममता ने, चेंज द आउटफिट ऑफ इजराइल सिक्योरिटी। क्या इजराइल सिक्योरिटी के हमें आउटफिट चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? बाकी आप सब लोग बता दो भाई, इनको तो हम रिप्लाई दे देते हैं कि हमें इजराइल सिक्योरिटी की आउटफिट चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, कमेंट वगैरह करके आप सब लोग बता दो। GTA 5 गेम पर आपके जैसा गेमर नहीं देखा, इन्हें गुड वे और इन्हें बैड वे। ओके भाई, थैंक यू ब्रो। भाई इन्हें गुड वे ही बोला होगा भाई साहब, खतरनाक पसंद आ गई होगी भाई साहब को वीडियो। टेक्नो विहान विनर भाई, टेक्नो विहान भाई की विनर बनी है इस वाली में। बीबी गेमिंग और टेक्नो विहान भाई की जो खतरनाक वाली लड़ाई हुई थी उसमें टेक्नो विहान भाई की, क्या बात है क्या बात है, चलो बढ़िया है। भाई इंडियन कार लो, कौन सी ले भाई ये तो बताओ कौन सी, क्योंकि हमें ड्राइवर के लिए काफ़ी खतरनाक गाड़ी लेनी है, तो भाई सजेस्ट वगैरह कर दो कि कौन सी गाड़ी इंडियन कार हमें लेनी चाहिए। हेलो भाई टेक्नो विहान भाई से मिलो। ओके ब्रो हम काफ़ी जल्दी मिलेंगे, दिक्कत क्यों ले रहे हो, क्या सिस्टम सेट कर देंगे तुम्हारे माइकल को। कैरी मिनाटी लोकेट कप पेन आ जाओगे तुम, मतलब हैं समझा नहीं मेरे भाई। कैरी मिनाटी तो समझ गया मैं, पर कोई दिक्कत नहीं है माइकल को कैरी मिनाटी। ओके माइकल अरे भाई साहब सनी के साथ वीडियो बना लीजिए बीबी गेमिंग के साथ। ओके ब्रो भाई बना लेंगे सनी भाई के साथ भी और बीबी गेमिंग के साथ भी वेरी सुन मेरे भाई। मयंक के साथ वीडियो बनाओ मयंक के। ओके ब्रो भाई साहब इनकी तो डिमांड इतनी ज़्यादा आ रखी है भाई, राजपूत गेमर ने तो भाई कमेंट सेक्शन हैंग कर दिया, क्या बात है क्या बात है। तुम्हारे सामने टेक्नो गेमर फेल है, लॉल भाई थैंक यू मेरे भाई, इतना भाई इतना बड़ा कमेंट मारने के लिए क्या बात है क्या बात है। वीडियो बहुत तगड़ी बनाते हो, तगड़ी वीडियो। ओके भाई कोई नहीं, टीवी गेमिंग टीवी नहीं बीवी गेमिंग है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 01 बहुत बड़ा पोल्यूशन बना देते हैं, हेल्पलाइन करोगे तुम पावरफुल हो जाओगे लेटर पॉलिटिशियन बन। ओके भाई लीडर पॉलिटिशियन हम काफ़ी जल्दी बनेंगे। तेवर को पुलिस क्रिया बना दो, अरे भाई साहब इतनी तगड़ी हिंदी कर रखी है भाई ने, सिस्टम हैंग कर दिया। बाकी गाइज एक दो कमेंट ही करा करो, ऐसे स्पैम वगैरह मत करा करो। यहाँ पे अब्दू भाई ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पैम दिया है, तो यहाँ पे जाके आप देख लेना क्या सिस्टम हैंग हुआ है। भाई ए रेगुलर वीडियो डायलॉग करे भाई, ए रेगुलर वीडियो डायलॉग करे। ओके मेरे भाई डब्लू बजाज के एपिसोड में तुम बताए आ गया है डब्लू, अरे क्या लिख रहे हो भाई साहब कमेंट सेक्शन में, क्या सिस्टम हैंग हो रहा है भाई। मेरा सवाल है कि सीरीज़ के बाद कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करोगे, सोचते हैं भाई बाकी आपसे लोग भी सजेस्ट करो कुछ खतरनाक वाला। इजराइल सिक्योरिटी इज़ वेरी डेंजरस एंड पावरफुल। ओके क्या बात है भाई, डेंजरस तो है इजराइल सिक्योरिटी भाई। लैम्बोर्गिनी सियान भाई करो, लैम्बोर्गिनी सियान भाई करते हैं। ओके मेरे भाई वैसे हमारे पास पड़ी है लैम्बोर्गिनी सियान, बाकी हम दिखाते नहीं आपसे लोग को, वो भी दिखाएंगे काफ़ी जल्दी, हमारे शोरूम वगैरह में रखी हुई है, हमारे पास तो नहीं है भाई। न्यू हाउस ले लो। ओके ब्रो न्यू हाउस की हम प्लानिंग काफ़ी जल्दी करते हैं क्योंकि खतरनाक वाला एक मेंशन हम लेने वाले हैं। कितने दिन में न्यू सीरीज स्टार्ट होगी? वेरी सून मेरे भाई। अभी तो भाई सीरीज कितने खतरनाक मोड पे आ चुकी है, फाइट वगैरह होगी अभी तो भाई साहब, कायो पेरिको को पे जब हम अटैक बोलेंगे और उसके बाद आप लोगों को काफ़ी चटपटी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। बीबी गेमिंग के साथ न्यू सीरीज स्टार्ट करो। ओके और गैंग बनाओ। ओके ब्रो काफ़ी जल्दी हम गैंग भी बनाते हैं और बीबी गेमिंग के साथ सीरीज भी स्टार्ट करते हैं, क्या दिक्कत दे रहे हो। टेक्नो विहान भाई की सिक्योरिटी, टेक्नो विहान भाई सिक्योरिटी बेस्ट। ओ ये क्या बात है क्या बात है, टेक्नो विहान भाई की सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा फैन है। और नीचे बीबी गेमिंग ओपी भाई साहब यहाँ पे पलटवार में इनका भी जवाब आ गया, तो इनको भी भाई थैंक यू बोलना पड़ेगा। थैंक यू तो क्या ही बोलते हैं, ओ ये लिख देते हैं, क्या बात है क्या बात है। दोनों भाइयों की सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी है वैसे तो। बीबी गेम के ब्लैंक कमांडोज ओपी लव फ्रॉम आसाम, क्या बात है मेरे भाई क्या बात है, सिस्टम हैंग कर दिया इन्होंने तो भाई। ओके मेरे भाई क्या बात है, चलो बढ़िया है। ओपी मेरे भाई क्या बात है क्या बात है, इजराइल सिक्योरिटी ओपी। ओ ये आए हो बच्चों क्या हगा है। ओके भाई ठीक है। भाई अंकित प्लेस की सिक्योरिटी, ओके हम काफ़ी जल्दी लेके आएंगे वेरी सून मेरे भाई। अंकित प्लेस की सिक्योरिटी हम रेड वाली लेके आए, कौन सी लेके आए, न्यू सब्सक्राइबर क्या बात है, 6:20 में कुछ बोला इन्होंने भाई। फेस रिवील कब होगा? वेरी सून मेरे भाई, काफ़ी जल्दी करेंगे। बाकी इंस्टा वगैरह पे आप जाके फोटो वगैरह देख सकते हो, डाल रखी है मैंने भाई। आप हिंदू हो या मुस्लिम? मैं इंडियन हूँ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले इंडियन हूँ फिर हिंदू मुस्लिम हूँ, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में आवाज़ कैसे डालते हो लव फ्रॉम पाकिस्तान? वो वही तो राज है भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नो गेमर सिक्योरिटी वर्सेज टेक्नो विहान सिक्योरिटी, टेक्नो गेमर के पास कौन सी सिक्योरिटी है वो ऐसी मैंने देखी नहीं है, बाकी देखते हैं भाई कौन सी सिक्योरिटी है ब्रो। बाकी ओके ब्रो करते हैं भाई, उनका भी सिस्टम है
क्योंकि टेक्नो विहान भाई की सिक्योरिटी तो हमें पता है, इसराइल सिक्योरिटी हम उनसे लेके आए थे, बट टेक्नो गेमर के पास मेरे को नहीं पता इसराइल सिक्योरिटी बढ़िया है। ओके ब्रो क्या बात है, इसराइल सिक्योरिटी का भाई कमेंट सेक्शन हैंग हो रखा है। बीबी गेमिंग आई लव, क्या बात है क्या बात है भाई, बीबी गेमिंग के फैन तगड़े हैं। देखो एक कमेंट टेक्नो विहान भाई का आता है तो नीचे देख सकते हो दूसरा पलटवारी में बीबी गेमिंग का जाता है, ब्लैक कमांडो पावरफुल। ओके क्या बात है, ब्लैक कमांडो भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए बीबी भाई की, चलो बढ़िया बढ़िया। एनएसजी सिक्योरिटी लो लो भाई लेके आ गए, कल आ गई होगी, कल आ रही है भाई, देख सकते हो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो एनएसजी सिक्योरिटी आ चुकी होगी #46 में। बीबी गेमिंग का रेड सिक्योरिटी लो। ओके ब्रो ओके ब्रो, जो हाईटेक वाली सिक्योरिटी है वो ना वो बंकर के लिए हम ले सकते हैं, बताओ कमेंट वगैरह करके बताओ कि हमें बंकर के लिए वाली सिक्योरिटी लेनी चाहिए। ब्रो वन डॉग भी लो न्यू विला के लिए, एंड थर्ड बॉडीगार्ड अपने साथ रखो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, डॉग वगैरह भी हम लेंगे काफ़ी जल्दी, कोई भी दिक्कत नहीं है। राजस्थान गेमर भाई मेरा नाम ओपिस फोन करा और अंडरवाटर माफिया का टी शर्ट में ट्रैकर लगा कर इसको छोड़ दो, बाद में वो जहाँ जाएंगे वहाँ हमला कर दो। भाई अब ना उनको हम छोड़ तो नहीं सकते, पर हम एक सीन कर दिया है कि भाई जो अंडरवाटर माफिया और अन्ना की बॉडी में हमने ट्रैकर वगैरह भी लगवा दिया है और जो भी वो बातें करेंगे हमारे तक रिकॉर्ड वगैरह होगी, तो भाई अब आएगा गेम में असली मज़ा भीड़ लोगों, क्योंकि अब वो भाई बात तो करेंगे पैसे को लेकर, और जैसे वो जो सी लोकेशन की बात करेंगे तो हम वहाँ पर धावा बोल देंगे। राजस्थान की ओर भाई मेरा नाम उपजन है अंडरवाटर में। ओके भाई एक ही कमेंट कर दो भाई, पढ़ लिया, ये सिस्टम हैंग करने की जरूरत नहीं है, एक ही कमेंट देखो कितनी बार कर रखा है भाई, मैं पढ़ लेता हूँ कमेंट। बीबी गेमिंग क्या बात है क्या बात है, बीबी प्लस एम ओके, इजराइल इजराइल सिक्योरिटी काफ़ी मस्त लगे, टेक्नो विहान का सिक्योरिटी बेस्ट है, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई खतरनाक है भाई टेक्नो विहान भाई की सिक्योरिटी, जैसे कि आपने देखा इजराइल सिक्योरिटी विहान भाई की सिक्योरिटी। मेरे पड़ोस में रहता है सीआईडी, मेरे पड़ोस में रहता है सीआईडी, सीआईडी निशांत एफ एफ वीआईपी, क्या बात है भाई भाई, ये भाई तो निशांत भाई तो हमेशा शायरी लिखते हैं पर इनकी राइम थोड़ी जम नहीं रही, निशांत भाई उसके ऊपर वर्क करो आप भी भाई। बीबी गेमिंग की रेड वाली सिक्योरिटी लो, रेड वाली सिक्योरिटी जो हाईटेक वाली है, हाईटेक वाली क्या भाई, एक बार ये तो बताओ यार, रेड वाली सिक्योरिटी तो उनके पास शायद वही वाली है, बाकी आप कमेंट में कर दो भाई। अब 100 एसपीजी कमांडो, ओके ब्रो भाई एसपीजी कमांडो अभी हमारे पास है, बाकी एनएसजी लिए तो एसपीजी भी भाई हमें तगड़े वाला वर्जन लेंगे जिसको हम मलिबो मेंशन वगैरह पे लेंगे। GTA कल आ रही है भाई, जब आप देख रहे होंगे तो वीडियो आप से लोग के सामने आ चुकी होगी मेरे भाई। ओके टेक्नो विहान बाप, ओके भाई इजराइल सिक्योरिटी क्या बात है, इजराइल सिक्योरिटी के काफ़ी गंदे फैन है भाई, मानने पड़ेंगे। 900 बंदों के साथ चलना ऑलवेज, अरे भाई 900 बंदे भाई सिस्टम हैंग हो जाएगा, PCB यूं कहेगा मेरे से नहीं हो रहा भाई, मैं बॉडीगार्ड बेचने का काम करता हूँ। सो मैंने सबसे ताकतवर सिक्योरिटी का नाम मॉन्स्टर एंड टाइटन सिक्योरिटी, प्लीज़ बाय ओनली दिस, कितने भाई 1,00,000 से भी पार कर दिए, तो रिक्वेस्ट फॉर मनी टू बाई, अच्छा इतना पैसा चाहिए इसके लिए एट गेम, ओके ओके लॉल ब्रो ठीक है भाई, आपसे भी सिक्योरिटी हम खरीदेंगे जैसा आप कुछ कह रहे हो ऐसा। टेक्नो विहान सिक्योरिटी क्या बात है, थैंक्स फॉर 535 सब्सक्राइबर, क्या बात है। विच स्क्रीन रिकॉर्डिंग यू आर यूजिंग, OBS ब्रो OBS, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुपरा MK5 ले लो भाई, सुपरा MK5 की अनुज भाई आप काफ़ी जाम पे मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं लूँगा जरूर लूँगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। यहाँ पे देखो सुपरा MK4 ले लो भाई, अब कौन सी लूँ भाई, ओ भाई कौन सी लूँ भाई, MK5 लूँ MK4 लूँ, देखो दो दो कमेंट आ रखे एक साथ ही भाई। मयंक भाई का PC ख़राब हो गया है, ओ नो, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, करवा लेंगे वो भी ठीक काफ़ी जल्दी आपसे लोग के सामने। विहान भाई ठीक है भाई, भाई आप इससे भी बहुत सारे बॉडीगार्ड दीजिए, इतने सारे बॉडीगार्ड जो आपके संग 2030 के बाद तक चले। ओके भाई सिक्योरिटीज़ वगैरह तो आ ही रही है, पर हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी हम लेके आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे BBOP ओके, और हम आपके लाइक एम कंप्लीट करवा देंगे, क्या बात है भाई क्या बात है। ओके ब्रो थैंक यू यू क्या बात है, अरे यू लिख जा भाई, चलो भाई साहब इनको भी दे दिया है। वही वाली वेपन और जोन सी नवी वाली आई है वो, इसे सीक्रेट रूम में रख दो गोल्ड भी, ओके ब्रो भाई हम रख देंगे गोल्ड वगैरह भी, सारी चीज़ें वहीं पे रखेंगे भाई। थोड़ी जल्दी वीडियो बनाया करो अब यार, एक दिन में एक ही तो वीडियो आएगी, अब एक दिन में दो वीडियो थोड़ी ना आ जाएगी, ठीक है अब जल्दी तो क्या ही, हमारी सीरीज जैसे कि चल रहा है तो उस हिसाब से आएगी भाई। दोनों की स्टोरी OP है, क्या बात है भाई, थैंक यू भाई, क्या बात है भाई, सिस्टम हैंग कर रखा है भाई। टेक्नो विहान की सिक्योरिटी और बीबी गेमिंग का हाईटेक वेपन दो नए वाला, माय नेम इज़ केशव अग्रवाल, ओके भाई काफ़ी जल्दी हम देते हैं। बीबी गेमिंग का हाईटेक नए वाला,
चलो देखते हैं कौन सा हाईटेक आया उनके पास भी। टेक्नो विहान सिक्योरिटी विन, ओके ब्रो, ओके भाई साहब, टेक्नो विहान भाई की सिक्योरिटी यहाँ पे विन हमें दिख रही है भाई इसमें भी, क्योंकि इसराइल सिक्योरिटी सो कूल भाई, सो कूल तो है मेरे भाई, काफ़ी ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी, काफ़ी ख़तरनाक वाली। चलो बढ़िया है बीबी, ओके बीबी भाई की सिक्योरिटी ने काफ़ी पसंद आई। इधर भी बीबी भाई की भाई बिग फैन शाउट आउट दे दो, मेरा नाम अनमोल, अनमोल भाई बिग शाउट आउट टू, मेरे भाई क्या बात है, आपको रिप्लाई भी देंगे शाउट आउट की, क्या बात कर रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। भाई तू गांजा पी के बोलता क्या, कुछ भी बोलता, हाँ भाई मैं गांजा पी के बोलता हूँ बिल्कुल, और बताओ कार्डिलिक ले लीजिए, बिल्कुल भाई गाड़ी, ये वाली गाड़ी मैं लूँगा लूँगा, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, पर इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए वेट क्या करना पड़ेगा, जब हमारी पूरी गाड़ियों के लिए हम सिक्योरिटीज़ के लिए गाड़ियाँ वगैरह मंगाएंगे तब ये गाड़ी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। फाइनली 100 साल के बाद वेट करने के बाद वीडियो आ गई, लोल भाई आ गई आ गई, पर आ तो गई ना ये मानो भाई। आप एलुमिनाटी सिक्योरिटी ले लो, बहुत वेरियंट है एलुमिनाटी सिक्योरिटी की, एग्री टेक्निकल पॉइंट से, और निंजा सिक्योरिटी अदनान से ले लो, ओके ब्रो, ओके ब्रो भाई इलुमिनाटी और नई सिक्योरिटी आज सजेस्ट हुई है निंजा सिक्योरिटी, गोस्ट सिक्योरिटी का आर्मर इजराइल सिक्योरिटी के जैसे करो, ओके ब्रो, गोस्ट सिक्योरिटी भी काफ़ी मस्त है ना, आज भी देखने को मिली होगी। पर यार मेरे को ना ज़्यादा पसंद ना गोस्ट सिक्योरिटी की, वो वाले आर्मर ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इजराइल सिक्योरिटी से बेटर है वो, देखो एक बात तो बोलनी पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी जल्दी हम देखेंगे भाई। थैंक यू सो मच गाइज इतने प्यारे प्यारे कमेंट वगैरह करने के लिए, लव यू ऑल गाइज, ऐसे कमेंट वगैरह करते रहो, ऐसे भाई लाइक एम भी आज का जो 500 है वो पार आप करवा ही दोगे, और इतने खतरनाक खतरनाक कमेंट तो आपसे लोगों ने कर ही दिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में फीचर होना और कोई भी कार की या किसी भी चीज़ की डिमांड है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना। जब तक ले चंगा, फिर अगले घड़ी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। #47 में कुछ ज़बरदस्त आने वाला है तो तैयार हो जाओ। 46 कैसा लगा ये कमेंट वगैरह करके बता देना। जब तक ले चंगा, फिर बाय बाय।